मिनट पड़ेगा। हेलो क्या सर, आपके लिए फोन आ रहा है। सर आपका कॉल सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम महवेश। मैं महवेश, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज आ रही है। जी थैंक यू इमरान साहब। मैं महवेश, मेरे ख्याल है नहीं सुन पा रही है। आई थिंक सो उनकी तरफ शायद कोई इश्यू है। मैं चाह रहा था कि हम चेक कर लेते एक दफा। मैसेज कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, अनम्यूट कर लें मैम। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम मैम, आपको वेलकम करते हैं हम पीएच डेक के प्लेटफॉर्म पे। आई जस्ट वांट टू चेक स्क्रीन शेयरिंग, क्योंकि मेरे ख्याल आप अपनी तरफ से स्क्रीन शेयर करेंगी प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैं इधर से अलाउ कर रहा हूँ मैडम आपको। एक मिनट। आपने मेरी तरफ कर दिया इसको। जी हेलो दोबारा बारिश से पे मैं भाई के घरों बाहर निकला, बड़ी बारिश से मैं रुकया रहा। तो तुसी हो सर, मैं तो आके तो तुसी रुकी कोई नहीं। मैं आप पानी चले प्लीज जाओ। और आपने इसको बंद कर दो, मेरे लेकिन पता बताया चला आपने तो रुकती रहने। एक और नहीं मेडिकल सामने छोटा ऐसे ही स्टार्ट मेडिकल ना। स्टोर। बड़ी बारिश हो रही है, पानी पानी होते टैंकी ग्राउंड कमक रोड उच्ची बन गई है, पानी सारा था। सही हाँ जी मैम, अब प्लीज कीजिएगा शेयर स्क्रीन। जी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। जी जी आप स्क्रीन शेयर पे जाएंगे नीचे देखो, तो प्रेजेंटेशन को शेयर करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, जी ठीक हो गया मैम, बिल्कुल आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ, सेम हम एक्टिविटी करेंगे 11:05 पे जब स्टार्ट होगी, हमारी ऑफिशियली स्टार्ट होगा। मैं जस्ट चेक करना चाह रहा था कि कोई इश्यू तो नहीं आ रहा हमारी तरफ से या आपकी तरफ से।
अभी पार्टिसिपेंट्स हमारे ज्वाइन कर रहे हैं डिफरेंट सिटीज से और डिफरेंट रीजन से, खासकर जो हब्स है हमारे ऑनियन के उधर से। तो इंशाल्लाह 11:05 पे हम ऑफिशियली स्टार्ट कर देंगे इसको। थैंक यू। अच्छा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कि आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, ठीक, थैंक यू। ठीक करें और वहां पे प्लेस करें। सो प्रोविंस ऑफ पंजाब के अंदर जो सोइंग टाइम है वो अक्टूबर नवंबर है, जो नॉर्मल हमारी क्रॉप है, नॉर्मल क्रॉप है, वो रबी की क्रॉप है। उसमें अक्टूबर नवंबर में सोइंग होती है, दिसंबर में ट्रांसप्लांटिंग या हार्वेस्टिंग इसकी मई जून में है। अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज में स्नैरियो थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है मार्च में ही, तो अप्रैल में भी प्रोड्यूस इसकी अप्रैल एंड से स्टार्ट हो जाती है पंजाब के अंदर। केपीके में इसकी सोइंग अक्टूबर में ही होती है और दिसंबर जनवरी में इसकी ट्रांसप्लांटिंग है, लेकिन क्योंकि कूलर क्लाइमेट है, प्लांट ग्रोथ स्लो होती है, तो इस वजह से हार्वेस्टिंग वो उसकी मार्च से जून जुलाई के अंदर होती है केपीके के अंदर से। पहले पंजाब की फिर केपीके की प्रोड्यूस आती है। और सिंध के अंदर भी इस तरह लोअर सिंध और अपर सिंध में एरियाज हैं। लोअर सिंध में जून से सितंबर तक ऑनवर्ड सोइंग डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लोकेशन के ऊपर होती है, नॉट इन दी होल सिंध। तो ट्रांसप्लांटिंग जुलाई अक्टूबर और इसकी हार्वेस्टिंग अक्टूबर से फरवरी में। बलोचिस्तान के अंदर डायरेक्ट सीडिंग की कल्चरल प्रैक्टिस ज्यादा फॉलो होती हैं, वो फेब मार्च में डायरेक्ट सीडिंग करते हैं और सितंबर से नवंबर में इनकी प्रोड्यूस मार्केट में होती है। बलोचिस्तान के अंदर बलोचिस्तान की कॉन्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी है टोटल जो हमारी नेशनल प्रोडक्शन है, उसके अंदर लॉन्ग ग्रे टाइप्स जो हैं वो ग्रो की जाती हैं, उनका बल्क साइज भी ज़्यादा होता है और उनकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू दी अदर टाइप्स। फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स हैं, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन ये है कि आप सॉइल की ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करने के लिए फार्म यार्ड मैन्योर 10 टन पर एकड़ के रेट पर अप्लाई करनी चाहिए 1 मंथ बिफोर सोइंग। उसको आप डीप टर्न करके सॉइल के अंदर मिक्स करें और उसके बाद इरीगेट कर दें सो दैट इट मिक्स प्रॉपरली इन द सॉइल। और फर्टिलाइजर 2 बैग्स ऑफ DAP एंड 1 बैग ऑफ SOP एट द टाइम ऑफ प्लांट प्रिपरेशन, की जमीन की तैयारी के टाइम ये 2 खादें आपने ऐड करनी है। उसके बाद आफ्टर नर्सरी ट्रांसप्लांटेशन 1/2 बैग ऑफ नाइट्रोजन अप्लाई करें, उसके बाद 15 डेज के इंटरवल से 1/2 बैग ऑफ नाइट्रोजन अप्लाई करें। बट इफ यू गो टूवर्ड्स हाई डेंसिटी कल्टिवेशन, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, तो यू नीड टू एड 1 बैग ऑफ नाइट्रोफॉस मोर और 1/2 बैग ऑफ यूरिया मोर, और फॉर गुड बल्ब डेवलपमेंट 1 kg ऑफ सल्फर एड करें। रेजिंग ऑफ नर्सरी सीड रेट हम रिकमेंड करते हैं कि 2 to 3 kg ऑफ सीड पर एकड़ इज सफिशियंट फॉर ग्रोइंग 5 मरलाज ऑफ नर्सरी। 5 मरलाज ऑफ नर्सरी आर सफिशियंट फॉर ग्रोइंग 1 acre ऑफ अनियन। इफ़ यू आर यूजिंग हाइब्रिड सीड, तो अगर आपको पता है कि सीड सोर्स सीड फ्रेश है, इसकी जर्मिनेशन मोर देन 90% है, तो 1 kg सीड भी सफिशेंट होता है। लेकिन मार्केट में लोग नॉर्मली ये सीड के थोड़े से इश्यूज हैं कि सीड की जर्मिनेशन अच्छी नहीं होती, इसलिए हम 2 to 3 kg सेफ साइड पर रिकमेंडेशन देते हैं। सोइंग टाइम हमारा नॉर्मल अक्टूबर नवंबर का है। नर्सरी रेज करने के लिए आपने सबसे पहले एरिया वो सिलेक्ट करना है जो रेज बेड लगाने हैं, और सॉइल भी थोड़ा सा हायर लेवल पे जो आपका फील्ड है वो, ताकि अगर बारिश होती है बारिश का पानी उसके अंदर रिटेन ना करे, वो इजीली ड्रेन हो सके। और वैसे ही ज़मीन की तैयारी करनी है लैंड लेवलिंग करके, और आपने उसके अंदर बेड्स बना के उसके अंदर 4 to 5 cm अपार्ट लाइंस लगा के उसके अंदर सोइंग, जैसे ये बेड बने हुए हैं इस तरह से बेड बनाने हैं। और लाइन बेहतर कुछ फार्मर्स अडॉप्ट करते हैं कि छट्टा मेथड लेते हैं, और वो उसके अंदर लॉसेस होते हैं नर्सरी के, कि सीड आपका इतना कीमती प्रीशियस है, इसलिए आप इसको बेटर है कि लाइंस में सोइंग करें सो दैट बाद में होइंग और वीडिंग इजी हो, इजीली रिमूवल ऑफ वीड्स हो। जो सीड्स आपके अनकवर्ड या नेकेड रह जाते हैं वो भी जर्मिनेट नहीं करते, वो भी सीड लॉस होता है, और बाद में वीड्स के साथ माइन्यूट सीडलिंग्स होती हैं इसकी बारीक, तो वीड्स के साथ वीड्स रिमूव करते हुए सीडलिंग्स भी रिमूव हो जाती है। सो बेटर प्रैक्टिस ये है कि आप लाइंस के अंदर सोइंग करें बेड्स बना के, और उसके बाद ये है कि सोइंग करें, उसके ऊपर सॉइल की सॉफ्ट लेयर ऑफ सॉइल से आपने कवर करना है कि सॉइल ज़मीन अच्छी तैयार हो, सॉफ्ट भुरभुरी ज़मीन जो वो नर्सरी के लिए अच्छी होती है, और सिल्ट के साथ आप उसको कवर करें, और डेली बेसिस पे आपने उसको शावर के साथ इरीगेट करना है। फ्लड इरीगेशन नहीं करनी अनटिल जर्मिनेशन हो जाती है, क्योंकि सीड भी लाइट वेट होता है, वो फ्लड इरीगेशन के अंदर सीड भी मूव हो जाता है साथ ही। तो नॉर्मली रिकमेंडेड प्रैक्टिस यही है कि आप डेली इरीगेशन करें विद शावर, और जब नर्सरी जर्मिनेट हो जाती है फिर आप लाइट इरिगेशन फ्लडिंग लाइट कर सकते हैं। और
फर्टिलाइजर जरूर अप्लाई करें बेस में, डीएपी डालें, और उसके बाद आप नर्सरी को 15 डेज के बाद एनपीके के साथ, एनपीके 20-20 भी यूज कर सकते हैं, या थोड़ी बहुत डोज आप यूरिया की दें। इस तरह से नर्सरी, ये नर्सरी आपकी तकरीबन 20 डेज फेज की नर्सरी है। नर्सरी को ट्रेज में दो डिफरेंट मीडियम्स हैं आप नर्सरी रेज करने के, कि अगर आपके पास सॉइल फाइलो फ्री नहीं है कोई और क्रॉप आपकी फील्ड में, तो आप नर्सरी ट्रेज के अंदर भी नर्सरी रेज कर सकते हैं किसी कवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर, ठीक है। और सोइंग से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज के, सीड को ट्रीट करें फंजीसाइड के साथ। टॉक्सिन एम है या एलीट है एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर kg ऑफ सीड, आप उसको पानी में अप्लाई मिक्स करके सीड को ट्रीट करें और फिर उसको फिर सोइंग करें। और नर्सरी की केयर के लिए जरूरी है कि नर्सरी को आपने स्पेशली डैम्पिंग ऑफ का अटैक इसको होता है तो उससे बचाना है, उसके लिए यही आप प्रैक्टिस है कि रेन वाटर ड्रेन करें फौरन और पानी खड़ा ना हो नर्सरी के अंदर, वो फंगल डिजीज को इंकरेज होता है, फंगल डिजीजेज ज्यादा होती हैं अगर पानी रहे उसके अंदर। स्प्रे फंगिसाइड से रेगुलरली इंटरवल्स पे करें, 4 वीकली तो जरूर होनी चाहिए स्प्रे। उसके अलावा होइंग और वीडिंग हो टाइमली। दिस नर्सरी 45-50 डेज की नर्सरी वो नॉर्मल सीजन में जो है वो रेडी टू ट्रांसप्लांट होती है, अगर थोड़ा अर्ली सीजन लगाएं तो वो 40 डेज की भी, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लो है तो प्लांट की ग्रोथ स्लो होती है और वो नर्सरी टाइम लगाती देर से तैयार होती है, 50 डेज भी लग जाते हैं। अगर नवंबर में सोइंग करते हैं तो दिसंबर जनवरी में टेम्परेचर क्योंकि लो होता है तो इट टेक्स मोर टाइम फॉर प्लांट्स टू रेडी टू बी ट्रांसप्लांटेड। सो ये स्टेज है नर्सरी की, कि अगर आपकी नर्सरी जो है इस स्टेज पे है 2-3 mm का, आप 2-3 cm का जो बल्ब साइज नीचे एक छोटा सा बन जाता है तो वो नर्सरी फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी है। नर्सरी की एज बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, कि अगर आप ओवर एज नर्सरी होगी तो वो बल्ब साइज पूरा नहीं बनेगा और बोल्टिंग की तरफ जाएगी, और अगर आपकी वीक सीडलिंग्स होंगी तो वो जल्दी डाई अप हो जाएंगी, वो भी क्योंकि आपकी ज़्यादा टाइम लेंगी ट्रांसप्लांटिंग शॉक से निकलने के लिए, तो भी बल्ब साइज छोटा रह जाएगा। तो प्रॉपर एज एंड हेल्थ ऑफ नर्सरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एट द टाइम व्हेन आपने ट्रांसप्लांटिंग करनी है, प्लांटलेट्स को सिलेक्ट करें जो डिजीज है या जो वीक प्लांट्स हैं वो रिमूव करने, और जो दिसंबर के अंदर ऑलमोस्ट नॉर्मली रेडी टू ट्रांसप्लांट। इरिगेशन जब आपने, जब व्हेन नर्सरी इज रेडी टू ट्रांसप्लांट, स्टॉप इरिगेशन 1 वीक प्रायर टू ट्रांसप्लांटिंग सो दैट द प्लांट्स बिकम हार्डी और प्लांट जो है वो ट्रांसप्लांटिंग शॉक को एब्जॉर्ब करें करने के काबिल हों। जिस दिन ट्रांसप्लांटिंग करनी है नर्सरी अप्रूव करने से 2 घंटे पहले लाइट इरिगेशन उसको देनी है ताकि प्लांट्स डैमेज हुए बगैर विद रूट्स सॉइल से इजीली निकल आए। ट्रांसप्लांटिंग के लिए लेआउट ये है कि नॉर्मली हम रिजेस के ऊपर करते हैं 75 cm की रिज है, या बेटर इट इज बेटर कि आप 60 cm की रिज बनाएं और उसके दोनों साइड्स पे 10 cm अपार्ट प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखें। अब यहाँ पे भी डिसीजन देख सॉइल की कंडीशंस को देखते हुए लेना है कि अगर आपके सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, आप फ्लैट एरियाज के ऊपर भी प्लांटिंग ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, और अगर सॉइल नहीं या आपकी थोड़ी लो लेवल के ऊपर है, यहाँ पे पानी की ड्रेनेज नहीं, वाटर रेन वाटर ड्रेन नहीं हो सकता इजीली, तो आप रिजिज या बेड्स के ऊपर ट्रांसप्लांट करें। रिजिज के ऊपर आप दोनों साइड्स पे एक एक लाइन 10 cm के डिस्टेंस पे लगा लें। अगर सीपेज अच्छी है सॉइल के अंदर तो 4-4 रोज यू कैन प्लांट आल्सो ऑन 1 रिज। This is normally, अब नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने से पहले इफ यू वीड्स जो है वो काफी डैमेज करती है अनियन के अंदर, नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने से पहले एक नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि आप पहले अपना लेआउट करें, जो भी रिजेस बनानी है बेड्स उसको इरीगेट करें, उसके बाद वीडिसाइड का स्प्रे करें, टॉल गोल्ड और पेंडीमेथ्रिन एट द रेट ऑफ 5 ml/L दोनों मिक्स करके वो आप स्प्रे कर दें जब पानी एब्जॉर्ब हो जाए सॉइल में, और उसके बाद आप नर्सरी ट्रांसप्लांट करें। लेकिन एक और प्रैक्टिस ये भी आप फॉलो कर सकते हैं कि पहले आप ट्रांसप्लांटिंग करें, उसके बाद स्प्रे कर दें वीडिसाइड का ट्रांसप्लांटिंग के फौरन बाद, और फिर इरिगेशन, दोनों प्रैक्टिस फॉलो हो सकती हैं। ज़्यादा बेटर रिजल्ट के हैं कि पहले आप इरीगेट करें उसके बाद आप ट्रांसप्लांटिंग करें। ये नर्सरी है जी इस तरह से रेडी टू ट्रांसप्लांट, और ये बोथ साइड्स ऑफ रिजिस पे जहाँ तक पानी का लेवल है उससे थोड़ा नीचे करके नर्सरी को ट्रांसप्लांट करना है। इसको 1 इंच अंदर सॉइल के इसकी रूट्स को कवर कर देना है।
नर्सरी की ट्रांसप्लांटिंग के फौरन बाद आप इरिगेशन, उसको फौरन इरिगेशन की जरूरत है, फौरन इरिगेशन देनी है। उसके बाद आपने जब भी इन्वायरमेंट को देखते हुए कि सॉइल ड्राई ना हो, पानी कॉन्टिन्यूस मिलता रहना चाहिए उसको, आप अगर तो बारिश वाला मौसम है, सर्दी है, जनवरी है, तो 20-25 डेज का भी इंटरवल हो सकता है इरीगेशन के अंदर। अगर मार्च अप्रैल में, तो आपने वीकली बेसिस पे फिर उसको इरीगेट करना है। ये इरिगेशन का डिसीजन जो है वो देखते हुए इन्वायरमेंट को ही करना है कि पानी खड़ा नहीं हो कभी भी फील्ड के अंदर, और ड्राइविंग नहीं होना चाहिए, रूट जोन तक पानी अवेलेबल हर टाइम रहे, ताकि कंटिन्यूअस इसको जरूरत होती है न्यूट्रिशन अपटेक की। हुईंग और वीडिंग भी नॉर्मल रेगुलरली करते रहनी है। अच्छा, एक वो पहले किया था हमने रिजिस के ऊपर ट्रांसप्लांट। एक और प्रैक्टिस है कि अगर आपके पास ड्रिप इरीगेशन की फैसिलिटी है तो बेटर आप मल्च को यूज करें। मल्चिंग कंट्रोल ऑफ वीड्स के अंदर 30-40% रोल प्ले करती है, 100% तो नहीं वीड्स कंट्रोल होती हैं, लेकिन कुछ, लेकिन मल्चिंग का एक और प्लस पॉइंट ये है कि इससे मॉइस्चर कंजर्व रहता है, जिससे प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलती रहती है रेगुलर। तो बेड के ऊपर अगर आपके पास ड्रिप की फैसिलिटी है तो बेड के ऊपर इरीगेट करें, इससे प्लांट पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी, ओवरऑल आपकी यील्ड भी इंक्रीज होगी। बेड साइज है 1.8 मीटर का और इसके ऊपर 9 रोज हैं विद 2 पाइप्स ऑफ ड्रिप। साइड वाली फरोज के साथ भी इरीगेट करेंगे और सेंटर में ड्रिप में, आप फरोज के अंदर भी ड्रिप का पाइप हो सकते हैं। उसके बाद हाई डेंसिटी कल्टिवेशन है, ये भी बेड्स है, 18 इंच का बेड है, इसके ऊपर 5 रोज ट्रांसप्लांट, 5 रोज है, रो टू रो डिस्टेंस 6 इंचेस है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 4 इंचेस है। सबसे बेस्ट रिकमेंडेड प्रैक्टिस अब ये है कि इसके अंदर ड्रिप की भी आपको जरूरत नहीं है, प्लांट वाटर सेंट्रल रोज तक भी सीपेज चली जाएगी और मल्च से मॉइस्चर भी कंजर्व रहेगा, वीड्स भी कंट्रोल होंगी। अगर आपके पास फैसिलिटी है कि आप मल्च से अडॉप्ट कर सकते हैं तो आई विल रिकमेंड कि ये वाली प्रैक्टिस आप फॉलो करें नर्सरी की केयर जरूरी है फॉर प्रिवेंटिंग डैम्पिंग ऑफ। पहली जो सबसे पहली पिक्चर है वो डैम्पिंग ऑफ, इस तरह से रूट्स को डैमेज करते हैं और प्लांट्स बिल्कुल, अगर आपने एक दिन, दो दिन, तीन दिन भी ओवरलुक किया और स्प्रे नहीं किया तो सारी की सारी नर्सरी इस तरह से आपकी डेड हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए ये है कि 3-4 डेज के इंटरवल पे नर्सरी को आप स्प्रे करें विद फंजीसाइड। उसके लिए आप इंट्राकाल या टॉप्सिन एम 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से वो स्प्रे करें। और फिर आती है डाउनी मिल्ड्यू, जब नर्सरी ट्रांसप्लांट होने के बाद फील्ड में होती है क्रॉप को, उस टाइम पे डाउनी मिल्ड्यू और स्टेम्फिलिन लीफ ब्लाइट, ये दो डिजीजेज ज़्यादा अटैक करती हैं। सिम्टम्स सबके तकरीबन मिले जुले हैं कि प्लांट्स के लीव येलो होना शुरू हो जाते हैं टिप से, और उसके ऊपर लीव्स के दरमियान में येलो स्पॉट्स हैं, और सब जो ये हैं वो ये फंगल डिजीज हैं। तो फंजीसाइड्स भी आपने यूज करने हैं, 2-3-4 अच्छे फंजीसाइड्स आप ले लें सीजन स्टार्ट होने से पहले, और ऑल्टरनेट बेसिस पे उनको ही आप अपने फील्ड के अंदर स्प्रे करते रहें तो आप होपफुली बच जाएंगे डिजीज से और क्रॉप अच्छी यील्ड उसकी आएगी। डाउनी मिल्ड्यू के लिए जो फंगीसाइड हैं वो नेनोक है एट द रेट ऑफ 4 ml/L और एमिस्टार टॉप है, ये स्प्रे कर लें ऑल्टरनेट बेसिस पे 5 डेज के इंटरवल से या 1 वीक के इंटरवल से। और फिर पाउडरी मिल्ड्यू कम आती है यहाँ हमारे पंजाब की लोकेशन में, ये पाउडरी मिल्ड्यू का कम है, लेकिन अगर आती है तो भी इसके लिए फंगीसाइड ही स्प्रे होनी है, वही जो डाउनी मिल्ड्यू के लिए होनी है। फिर उसके बाद है लीफ ब्लाइट भी इस तरह से, जो 4th ये पिक्चर है लीफ ब्लाइट के सिम्टम्स हैं, तो इसके लिए भी फंजीसाइड्स आपके एमिस्टार टॉप और जो नेनोक हैं वो ही चलेंगे। और पर्पल ब्लॉच के लिए भी यही फंजीसाइड्स हैं, इसके अलावा एक मैंकोजिप है डाइथेन एम के नाम से आती है, वो एट द रेट ऑफ 4 ml/L ऑफ वाटर, वो अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके भी, वो यूज कर लें। उसके बाद आ जाती है बायोटिक प्रॉब्लम्स। इंसेक्ट्स जो इस लोकेशन में ज्यादातर थ्रिप्स है, थ्रिप्स का अटैक होता है टर्माइट्स और आंट्स, कभी वो जाके बल्ब जब रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए और फील्ड में लेट आपने छोड़ दिया है और सन स्कॉर्चिंग सन है और तब टर्माइट्स का अटैक होता है ड्यू टू सम रीजंस के पानी खड़ा हो गया या क्या। नॉर्मली थ्रिप्स का अटैक है फेब मार्च के अंदर शुरू हो जाता है, ये इस तरह से पिक्चर में नजर आ रहा है कि ये लीफ की बेसिस के अंदर माइन्यूट से इंसेक्ट्स हैं, ये इजिली नजर आ जाते हैं और लीफ के ऊपर इस तरह से स्ट्रिप्स
स्ट्रिप्स बन जाती हैं येलो और व्हाइट कलर्स की, तो ये इसकी इन्फेस्टेशन है थ्रिप्स की आइडेंटिफिकेशन करने की। तो इसके लिए भी जो आपने इंसेक्टिसाइड है वो साल्विगो है और क्यूराक्रॉन है, ये आपने इन वन वीकली बेसिस पे इसको इसके लिए स्प्रे करना है इसका, इससे कंट्रोल थ्रिप्स से कंट्रोल, थ्रिप्स से अगर कंट्रोल ना हो तो ये बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। थ्रिप्स से कंट्रोल करना इज इम्पोर्टेंट फॉर गेटिंग हाई यील्ड। नाउ वी कम टूवर्ड्स हार्वेस्टिंग। When you see the plants, the showing the symptoms of neck fall as seen, we can see in the picture. If you are feeling 25% of plant show करेंगे neck fall होगी है, तो फिर ये indication है कि plant जो crop है वो ready to harvest है। Normally अगर आप December में transplanting करते हैं, normal season को follow करते हैं, तो मई के अंदर इसकी plants जो हैं वो ready होती हैं harvesting के लिए। तो जब लीव ड्राई, फिर आपने ये सिम्टम्स जब देखने हैं तो आपने पानी इसका बंद कर देना है, इरीगेशन स्टॉप करनी है 15 दिन पहले कर देनी है, उसके बाद तक के प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो ड्राई अप हो जाएं, उसका मॉइस्चर लेवल कम हो जाए, सो दैट दे आर दे कुड बी इजीली हार्वेस्टेड एंड कुड बी स्टोर्ड। अप्रूव करना लीव हार्वेस्टिंग का प्रोसीजर, नॉर्मली फार्मर ऊपर से भी लीव कट कर देते हैं लेकिन उससे डैमेज होता है, बेहतर ये है कि लीव को विद लीव ही आप इसको हार्वेस्ट करें, फिर फील्ड में इसकी शेडी प्लेस पे क्योरिंग करें और फिर लीव्स को कट ऑफ करें लाइक दिस। आपने लीव्स के साथ इसको हार्वेस्ट करें और फिर इसकी क्योरिंग करें और फिर लीव्स को कट डाउन करें। नाउ दीज आर रेडी टू ट्रांसपोर्ट इन द मार्केट और यू वांट टू सेव देम। ये सारा जो सारी डिस्कशन पिछली थी वो एक नॉर्मल सीजन की क्रॉप जो नॉर्मल सीजन में फॉलो होती है वो थी। अब हम करेंगे ऑटम कल्टिवेशन। ऑटम कल्टिवेशन सिंध के अंदर कुछ एरियाज में अब स्टार्ट, जैसे जून जुलाई के अंदर ऑटम सोइंग स्टार्ट हो गई, ऑटम कल्टीवेशन होती है, और पंजाब के भी कुछ एरियाज जो ड्राई एरियाज हैं उनके अंदर ऑटम कल्टीवेशन होती है प्रैक्टिस, लेकिन इसको इंकरेज करना चाहिए ताकि जो हमारा दिसंबर और जनवरी का जो स्कार्सिटी पीरियड है उसके अंदर हम हमारी यील्ड इंक्रीज हो। प्राइसेस तक इतनी जो 200 रुपीज़ 250 रुपीज़ पर के जी अनियन चले गए थे लास्ट टाइम, तो प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए भी फार्मर भी अच्छी इनकम कर सकते हैं कि जनरेट कर सकते हैं ऑटम कल्टीवेशन को अडॉप्ट करें। असल में इशू ये आता है कि जो टेम्परेचर हाई होता है जून जुलाई के अंदर, हाई टेम्परेचर की वजह से नर्सरी सोइंग और नर्सरी रेजिंग का इशू है, जिसकी वजह से काफ़ी लॉसेस होते हैं, हर फार्मर इसको अडॉप्ट करता है क्योंकि अगर कोई ट्राई करते हैं तो वो नर्सरी मर जाती है या डिजीज नहीं कंट्रोल होती उनसे, तो जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। जो पंजाब की लोकेशंस हैं जो ह्यूमिड एरियाज हैं वहाँ पे नर्सरी रेज करना मुश्किल है, जो ड्राई एरियाज हैं वहाँ पे आप कुछ प्रोटेक्टिव मटेरियल कुछ प्रोटेक्टिव प्लेस पे जाके इसकी नर्सरी रेज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हुई है, इसको टेक्नोलॉजी को फर्दर मल्टीप्लाई करने की या लोगों तक पहुँचाने की फार्मर्स को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि इसको अडॉप्ट करें, इंकरेज करें। हम इसको नर्सरीज के लिए सोइंग होगी जून जुलाई के अंदर, नर्सरी को सो करते हैं यूजिंग शेडिंग मटेरियल के, सिरकी सिरकियाँ यूज होती हैं अच्छी शेड देते हैं, या शेडिंग नेट है, ब्लैक नेट है, ग्रीन नेट है, या पेपर मल्च है आपके पास, तो नर्सरी सीड को सो करें और आप उसको कवर कर दें विद दी हेल्प ऑफ सिरकी, और उसके बाद जब जर्मिनेशन हो जाती है तो आप वो शेडिंग नेट को आप लोअर टनल बना के उसके ऊपर शेड दे दें अंटिल द प्लांट्स आर रेडी टू ट्रांसप्लांट। 20-25 डेज के लिए ज़रूरत होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके वो शेड को आप रिमूव कर दें तो प्लांट्स स्टेबल हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेन वाटर से आपने सेव करना है इसको, इनको कोई ना कोई जब बारिशों का स्पेल है तो कोई ना कोई कवर इनको दें जिस टाइम पे बारिश हो, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फंगस बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है, डाउनिंग लीव और डैम्पिंग ऑफ द नर्सरी बहुत ज़्यादा मर जाती है इस सीज़न के अंदर। तो अगर थोड़ी सी प्रोटेक्शन कर लें और अच्छी कल्चर प्रैक्टिस ड्रॉप करें तो नर्सरी भी रेज हो सकती है इस सीजन के अंदर। लाइक दिस दिस इज अ प्रैक्टिस वी फॉलो टू यूज टू रेज नर्सरी इन ऑटम कल्टीवेशन। सिरकी सिरकी डाली हुई है लोड टनल बना के, सिरकी डाल के तो एज यू कैन सी प्लांट्स आर हैप्पी हेल्दी, इस तरह से रेज कर सकते हैं। एक और टेक्नोलॉजी है कि जिन एरियाज में नहीं हो रही ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, नर्सरी डैमेज होती है, मर जाती है आपसे नहीं, यू आर नॉट एबल टू गेट द प्लांट्स, तो फिर बेहतर है कि कल्टीवेशन प्रूफ सेट्स, ये सेट कल्टीवेशन के नॉर्मल सीजन में आपने नर्सरी शो करनी है और नर्सरी को आपने नर्सरी बेड्स में ही छोड़ देना थ्रू आउट द सीजन, यानी कि दिसंबर में नर्सरी
जो है नॉर्मली नवंबर में अक्टूबर में सोइंग हो रही है, लेकिन सेट्स के लिए बेटर है कि जब जनवरी का स्पेल गुजर जाता है फेब में सोइंग करें नर्सरी बेड्स के अंदर, और वो जून तक नर्सरी बेड्स के अंदर ही नर्सरी रहे एज सच, और उसको इरिगेशन और फर्टिलाइजर रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करना है जैसे बाकी नर्सरी को करना है। तो फिर ये छोटे छोटे प्याज नीचे बन जाते हैं, इनको आप हार्वेस्ट करें जून के अंदर और इनको स्टोर कर लें एज ए सीड इन ए ड्राई वेंटिलेटेड प्लेस। तो जुलाई अगस्त में बजाय इसके कि नर्सरी रेज करें और वो सारी एक पैनिक हेक्टिक रूटीन फॉलो करनी है, तो ये ईजी है कि आप सेट टू सेम बाय फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर एज यू हैव टू ट्रांसप्लांट इन नर्सरी, सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए इन सेट्स को आपने ट्रांसप्लांट करें। वही प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है कि आप रिजेस के ऊपर दोनों साइड के ऊपर सॉइल को देखते हुए एक एक लाइन लगाएंगे, दोनों दोनों दो दो लाइन्स लगाएंगे बेड्स के ऊपर इनको प्लांट करें, और वही फर्टिलाइजर और वही इरीगेशन प्रैक्टिस फॉलो करनी है। तो ये क्रॉप नवंबर दिसंबर में, अगर नर्सरी वाली क्रॉप लगाते हैं ऑटम कल्टिवेशन में, तो नर्सरी वाली क्रॉप जाके जनवरी में रेडी होती है, और जो सेट्स वाली क्रॉप है ये नवंबर दिसंबर में रेडी टू हार्वेस्ट होती है। तो दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल टू फुलफिल द गैप ऑफ अनियन प्रोडक्शन इन पंजाब एज नवंबर दिसंबर इज अ स्कैर्सिटी पीरियड इन ऑलमोस्ट ऑल पाकिस्तान। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द अप्रूव्ड वैराइटीज ऑफ आवर इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद। फुलकारा इट वॉज अप्रूव्ड इन 1990। इसका एवरेज यील्ड इज 10 टू 12 टन पर एकर, एवरेज बल साइज इज 100 टू 150 ग्राम, बट डिपेंडिंग अपॉन द इरिगेशन इट इज सीन इन प्रीवियस ट्रायल्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट द बल्ब वेट गोज अबाउट 200 ग्राम अप टू 250 ग्राम। इट हैज गुड शेल्फ लाइफ सुटेबल फॉर बोथ सीजंस। ओके, ये जो वराइटीज हैं ये शॉर्ट डे और लॉन्ग डे दोनों लोकेशन के ऊपर के लिए सुटेबल है, यानी इफ यू वॉन्ट टू प्लांट देम इन रबी सीजन और इन ऑटम सीजन दे आर वेल दे बोथ वेल परफॉर्म इन बोथ दिस सीजन। ओके, दिस इज सुल्तान, दिस इज अप्रूव्ड इन 2019। क्या एवरेज यील्ड है जो 12 टू 16 टन पर एकड़ है, डिमांडिंग साइज एंड शेप, कलर पिंक है इसका और इसकी भी शेल्फ लाइफ अच्छी है, और ये दिस इज ऑल्सो सुटेबल फॉर बोथ दिस सीजन ऑटम और स्प्रिंग, जो रबी की कल्टिवेशन है दोनों के अंदर ये वेल परफॉर्म करती हैं। वाइट पर्ल है, इसकी यील्ड 10 टू 12 टन पर एकड़ है, ये भी दिस इज गुड फॉर सैलेड पर्पस, लेस बिटरनेस इनसाइड, और दिस इज ऑल्सो सुटेबल फॉर बोथ दिस सीजन। Okay. At the end, there are some key points for successful cultivation of onion for getting high yield and good quality. कुछ important चीजें हैं जिसको ज़हन में रखना है और important follow. एक तो ये है कि timely sowing of nursery is very important. के nursery का time जो आपने select करना है अपनी environmental conditions को, soil conditions को देखते हुए कि time पे nursery sow हो, seed treatment with fungicide हो, nursery की proper care हो, उसको diseases से बचाएं regular इंटरवल पे फंजीसाइड के स्प्रे करें और वीड्स की रिमूव करें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे आप जो प्लांटलेट्स हैं नर्सरी उनकी सिलेक्शन कि उसमें जो डिजीज प्लांट्स हैं ज़्यादा और जो वीक सीडलिंग रह गई हैं उनको रिमूव कर दें। और एज ऑफ नर्सरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ओवर एज नर्सरी होगी तो वो भी बोल्टिंग तरफ जाएगी और बल्ब साइज भी पूरा प्रॉपर नहीं बनेगा, और अगर वीक नर्सरी होगी तो वो भी छोटा ही रह जाएगा प्याज, पूरा बल्ब साइज नहीं बनेगा। तो एज ऑफ नर्सरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 to 3 सेंटीमीटर का जो बल्ब साइज है ये 3 leaf 4 leaf स्टेज पे आप उसको ट्रांसप्लांट कर दें। और फर्टिलाइजर का जुडिशियस यूज होना चाहिए, ओवर फर्टिलाइजर अगर ज़्यादा यूज करेंगे साइज इंक्रीज होगा लेकिन वो रॉटनिंग की तरफ जाएंगे, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी नहीं होगी, और अगर आप फर्टिलाइजर उसको प्रॉपर क्वान्टिटी में नहीं देंगे तो क्रॉप आपकी वीक होगी, इन दी एंड आपकी यील्ड कम रह जाएगी। तो जो रिकमेंड की है फर्टिलाइजर उसको फॉलो करते हुए आपने फर्टिलाइजर यूज करने, टाइमली स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड, थ्रिप्स से कंट्रोल रखें, डाउनी मिल्ड्यू, स्टेम पिलियम लीफ ब्लाइट और पर्पल ब्लॉट्स, ये इस पाकिस्तान की लोकेशन में ज्यादा डिजीजे हैं, चाहे केपी की तरफ जाए, चाहे सिंध की तरफ या पंजाब की तरफ, तो इनके लिए आप फंजीसाइड चूज करके आप अल्टरनेटिव बेसिस पे आप वीकली इसको स्प्रे करते रहें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो होल एरिया फील्ड है 1 acre 2 acre 5 acre जितने भी, उसको आप 1-1 नाल के प्लॉट्स में डिवाइड करें और लेआउट प्रॉपर हो ताकि
इरिगेशन प्रॉपरली हो, अगर कुछ एरियाज आपके लेवल नहीं है जहाँ पे लो लेवल जहाँ पे पानी खड़ा होगा वहां पे भी प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड होगी, और जहाँ पे जो हाई एरियाज हैं जहाँ पे पानी सीपेज पहुंच नहीं रही वहां पे भी प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड होगी। तो जो जब रेन वाटर प्रॉपरली ड्रेन आउट करें उसको एज सून एज पॉसिबल, तो ताकि पानी खड़ा ना रहे। पानी खड़ा रहने से फंगल डिजीज स्प्रेड करती हैं और बहुत सारे इश्यूज की वजह से आते हैं। अनियन इज वेरी सेंसिटिव टू फंगल डिजीजेज, मेन इसकी कामयाबी के लिए आप यही इंपॉर्टेंट है कि इसको फंगल डिजीज से बचाएं, और इरिगेशन की जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। और सेकेंड लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि आफ्टर हार्वेस्टिंग फॉर गुड शेल्फ लाइफ प्रॉपर क्योरिंग इज वेरी नेसेसरी, कि आप हार्वेस्टिंग के बाद ड्राई प्लेस पे फॉर 2 डेज और 3 डेज इसकी आप क्योरिंग करें, उसके बाद आपने इसको मार्केट करना है या आपने इसको स्टोर करना है फॉर नेक्स्ट सीजन, इट्स अप टू यू, इट विल बी वेल एंड गुड। थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट अनियन फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। जी सलाम अलैकुम जी, थैंक यू डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं जी। डॉक्टर साहिबा मेरा एक सवाल था, द मीन टाइम मोहम्मद इस्माइल साहब आपकी आवाज कम है, काइंडली थोड़ा सा लाउड करें। जी आवाज आ रही है? जी कम आ रही है, आ रही है बट कम आ रही है। अच्छा इस्माइल साहब आप भी बात करना चाह रहे हैं सर, कोई क्वेश्चन है आपका? जी थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा सेशन माशाल्लाह और अच्छी प्रेजेंटेशन हमारी बहन ने प्रेजेंट की। अच्छा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने स्लाइड के अंदर वो जो है ना बतौर मल्च बेड के ऊपर वो आपने बहन जो प्रेजेंटेशन पेश की है एक तो बहुत अच्छी है, दूसरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेज बेड के ऊपर आपने वो शापर शो किया हुआ जो कि एज ए मल्च यूज किया हुआ है, मैं गुजारिश करना चाहूंगा क्या हमारा फार्मर अफोर्डेबल है? एक तो मेरे हिसाब से ये बहुत महंगी है, और क्या इसके जमीन को कोई नुकसान है जो हम शापर को बतौर मल्च यूज करते हैं? अगर हम इसकी ऑर्गेनिक मल्च यूज कर लें ड्राई मल्च तो उसके मतलब आप रहनुमाई फरमाएं, ये क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पर एकड़ हमें कितने प्लांट्स लगाने चाहिए, क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स कितनी होनी चाहिए पर एकड़? थैंक यू प्लीज, ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू, अच्छा क्वेश्चन रेज किया आपने, मैंने कहीं बोलते हुए स्किप कर दिया, मैंने पेपर मल्च का और ऑर्गेनिक मल्च का भी जिक्र करना था, वो बस बोलते हुए शायद माइंड से निकल गया। ये है कि जो ये ब्लैक पेपर है वैसे तो इतना कॉस्टली नहीं है, ये चीप है कि यूज हो सकता है, लेकिन अगर फिर भी फार्मर इतना लो लेवल पे है कि वो नहीं अफोर्ड कर सकता तो राइस स्ट्रॉज हैं और शुगर केन के लीव्स हैं वो भी एज ए मल्च यूज हो सकते हैं। अगर आपके पास वो अवेलेबल है वेल एंड गुड, अच्छी ऑर्गेनिक मल्च आप वो यूज करें। और ये जो शॉपर अगर डाला है ना ब्लैक वाला, तो इसके लिए ये जरूरी है कि हार्वेस्टिंग से पहले एक महीना पहले इस शॉपर को आप रिमूव कर दें खुद, अदरवाइज ये सॉइल के अंदर मिक्स होगा जिसके साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो दूसरा ये कि पर एकड़ प्लांट्स आप पूछ रहे हैं अगर, तो आप फॉलो करते हैं रिजिस के ऊपर लगाना तो 1,08,000 के करीब प्लांट्स लगते हैं, और अगर बेड के ऊपर जाए आप हाई डेंसिटी कल्टीवेशन के तो 2,00,000-2,50,000 के करीब पौधे हैं। अगर आपने हाई डेंसिटी कल्टीवेशन की तरफ जाना है तो फर्टिलाइजर की डोज आपको डबल करनी है और उसको प्रॉपर केयर करना है तो उससे ज्यादा अच्छी यील्ड आएगी आपको, 2 लाख प्लांट्स पर एकड़। यानी थैंक यू मेरी बहन। एक और मेरा क्वेश्चन है, आपने जिक्र किया कि लेजर लेवलिंग के बाद आपने बेड बनाने हैं जी, अगर लेजर लेवलिंग के बाद अगर हम सब साइलर यूज कर लेते हैं चिजल लाल जो कि जमीन जमीन के हार्ड पैन को ब्रेक करता है और उसके बाद अगर हम 42 इंच के रेज बेड परमानेंट बना लेते हैं तो आई थिंक फिर लाइफ टाइम फार्मर को जो ना वो नो टिलेज का बेनिफिट होगा, बार बार उसको खेतों के अंदर हल नहीं चलाना पड़ेगा, इसके मतलब आप क्या हमें रहनुमाई फरमाएंगी? लाइफ टाइम तो बेड्स नहीं मेरा ख्याल बन सकेंगे क्योंकि हार्ड पैन तो क्रिएट हो जाएगा और हार्ड सॉइल इज नॉट गुड फॉर रनिंग कल्टीवेशन। आपको एक बार लेजर लेवल हो जाए उसके बाद आपको फिर भी हल तो चलाना पड़ेगा हर साल। नहीं मेरी बहन, जो जिस मॉडल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ रेज बेड का कंसेप्ट है सूरतुल बकरा वर्सेस नंबर 265, उसके अंदर रेज बेड का कंसेप्ट अल्लाह ताला ने एग्रीकल्चर मॉडल का दे दिया है ना, फिर वो लाइफ टाइम रहते हैं फार्मर को, बार बार खेतों के अंदर अपना जो है ना वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, वो लाइफ टाइम के लिए रहते हैं उसमें, बार बार उसको ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता और वो ऑर्गेनिक मल्च हम उसमें यूज करते हैं। आप एक फसल काटते जाए दूसरी एज इट उसके ऊपर आप काश्त करते जाए, हम तो इस मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं जी। प्लीज के मुतालिक आप हमें क्या रहनुमाई फरमाएंगे?
चले, मेरा इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आपका है तो आप हमारे साथ शेयर करें, शायद हमें कुछ लर्निंग हो जाए इधर से। क्योंकि जी थैंक हमारी नॉलेज के मुताबिक तो सॉइल को 1-2 साल मैक्सिमम उसके बाद टिलेज की जरूरत है, अदरवाइज हार्ट पेन क्रिएट हो जाता है। जी नहीं सॉरी मेरी बहन, हार्ट पेन की रीजन ये है, मेरी जो रिसर्च है और मेरे उस्ताद हैं सर आसफ शरीफ साहब हु इज इंट्रोड्यूसर ऑफ पिकनिक, उन्होंने 2008 में पायदार कुदरती निजामे काश्तकारी मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया। इस वक्त वर्ल्ड जी लेवल के ऊपर दुनिया उनसे कंसल्टेंसी ले रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी एक स्टूडेंट एंड फार्मर इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। हार्ट पैन जो है ना क्रिएट होने के रीजन है कि हम बल्क में ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, केमिकल और पेस्टिसाइड वगैरह, इस वजह से हमारी जमीन जो है ना वो पानी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो उसके जी लिए बेहतरीन हाल ये होता है कि जब हम जमीन अपनी नॉर्थ टू साउथ लेवल करते हैं लेजर लेवलिंग के बाद, उसके बाद जो है ना वो सब सैलर चेजल जिसको बोलते हैं 27 इंच उसका कोड होता है, वो जमीन के अंदर जाएगा तो वो जमीन के अंदर ब्रेक कर देगा उसका हार्ड पैन। उससे जी ये है कि लैंड के अंदर जो है वो पानी अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और नेचुरली तौर पर विद इन 3 ईयर्स जो है ना जमीन अपने इकोसिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। उसमें फिर 50% आपकी फर्स्ट ईयर की फर्टिलाइजर की बचत है, नेक्स्ट ईयर आप 20% और रिड्यूस कर देंगे, और थर्ड ईयर जाके आप बिल्कुल 10% के ऊपर आ जाएंगे। तमाम फर्टिलाइजर आपके 10% पर आ जाएंगे, 90% आपका फर्टिलाइजर रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह पानी की बचत है, इसमें टोटल जो है आपका 20% आपका पानी रह जाएगा किसी भी फसल को आपने काश्त करना। मैं तो सारे का सारा मॉडल इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काश्त कर रहा हूँ। थैंक यू प्लीज। इस्माइल साहब थैंक यू। इसके ऊपर हम डिटेल में बाद में बात कर लेंगे, हम क्वेश्चन और ले लें। अदनान तारिक साहब कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। अदनान साहब आप प्लीज पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम अदनान तारिक है। मेरा डॉक्टर मेविस से सवाल यह था कि इन्होंने हाई डेंसिटी पे बात की थी ना, वैसे तो इसके ऊपर मेरी काफी रिसर्च है, मैंने जब MSc की थी तो वो भी ऑनियन के ऊपर ही की थी ना, जी तो ये हाई डेंसिटी के ऊपर आपने बात की थी, उसमें आपने प्लांट का बताया था तो उसके बारे में थोड़ा क्लियर बताइएगा। एक्चुअली ना मेरे पास वो कॉल आ गई थी तो वो डिस्कनेक्ट हो गया था नेट जो है क्या ना। पूछा आपने, रिपीट करें। हाई डेंसिटी के ऊपर तो हाई डेंसिटी पे ऊपर आपने जिक्र कर रही थी ना कि प्याज उसके ऊपर लगाया जाए तो उसके ऊपर जी प्लांट पर एकड़ पे लगते हैं, और इसके अलावा वैसे ये कि मैंने इसके ऊपर अपना ड्रिप इरिगेशन के ऊपर भी ट्रायल किया था, वो जी ड्रिप इरिगेशन के ऊपर माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन रहा है, और उसमें फ्रूट उसका जो साइज है ना ऑनियन का वो जी भी बिनस्तन उसकी निस्तन काफी अच्छा माशाल्लाह गया है, और जी पानी का उसके ऊपर जो है ना वो भी बहुत कम गया है। इसके ऊपर मैंने जो है ना वो ये ट्रायल किया था अपना रिसर्च के हवाले से किया था, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त किया था ना। बाकी हाई डेंसिटी के ऊपर मुझे थोड़ा सा क्लियर बताइएगा वो कैसे करते हाई डेंसिटी का ये बताया था कि बेड बना के बेड के ऊपर, बेड 18 इंचीज का बेड है उसके ऊपर मल्च यूज करें, और 6 सेंटीमीटर 6 इंचीज प्लांट रो टू रो डिस्टेंस, 4 इंचीज प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, और फर्टिलाइजर आपने डबल करना है कि हर 15 दिन के बाद यूरिया, हाफ बैग ऑफ यूरिया पानी के साथ अप्लाई करें, 7+ नाइट्रोफॉस का एक बैग आप ऐड करें। ये था अच्छा, ये टोटल टोटल प्लांट्स की आपने बात कर रही थी कि टोटल प्लांट्स में कितने होते हैं वो अपने प्लांट। 2 लाख प्लांट पर 2 लाख प्लांट्स 2 लाख प्लांट होते हैं, और उसके ऊपर आपने जो जो खेलों के ऊपर लगाया जाता है उसके ऊपर आपने कितना बात की थी, उसके क्या ऊपर चीज। कितने जो खेलों के ऊपर जो प्याज हाँ लगते हैं जी, उसके ऊपर। अगर रिजिस के ऊपर अगर 75 सेंटी 2.5 फुट की जो नॉर्मल रिज बनती है, अगर वो उसके ऊपर लगाते हैं तो 1,60,000 प्लांट पॉपुलेशन बनती है। अगर आप ठीक बेड्स है के ऊपर जाते हैं हाई डेंसिटी पे तो 2 लाख के करीब वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लांट ज्यादा लगते हैं, तो डेफिनेटली यील्ड ज्यादा होगी जब आपके नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा होंगे। जी हाँ। बाकी ये कि इसके ऊपर मैं एक चीज ऐड करता चलूँ ये कि जो अगर देखा जाए ना जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है या जो बरानी इलाके हैं उसके ऊपर भी जी इसकी काश्त हो सकती है ड्रिप इरिगेशन जी के, ड्रिप के ड्रिप साथ। इरिगेशन के ऊपर, तो वो बड़ा बेहतरीन मतलब तजर्बा हाँ गया है जी और उसमें मैंने खुद करके देखा है। मेरा जी तालुक भी जो है ना वो एक कंपनी के साथ है, वो नेशनल फूड्स में बेसिकली वैसे भी काम करता हूँ, वैसे कि मैं छोटा सा एक वो कहते हैं कि जिम्मेदार भी हूँ और इसके ऊपर जी डिफरेंट जो है ना वो करता रहता हूँ अपना ये तजर्बे जो है ट्रायल करता रहता हूँ ना, तो जी उसी हवाले से मैंने इसके चीजें आप इसमें ये जी चीज अदनान को ऐड साहब कर शुक्रिया। दीजिएगा। सर सर हमारे पास वक्त की किल्लत है, हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे। अब्दुल लतीफ साहब, सर आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। सर लतीफ साहब आवाज आ रही है आपको? सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी सलाम। माशाल्लाह
सब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी। मिस्माइविश का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन थी यूनियन के ऊपर, लेकिन सर मैं तो एज अ एक्सपोर्टर मतलब बात करूंगा कि हमारे लिए जो है वो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है ये, क्योंकि ऑलरेडी वी आर एक्सपोर्टिंग आफ्टर वैल्यू एडिड, यानी इसको फ्राई करके हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गल्फ मार्केट में कर रहे हैं। और एक इसमें बस अगर ये मैडम थोड़ी सी रहनुमाई करें कि इसमें जैसे हम प्लांट से निकालते हैं और जब इसको ड्राई करते हैं उस दौरान इसमें कुछ स्मेल सी पैदा हो जाती है, उसके हवाले से अगर इनकी कोई एक्सपर्टीज हैं तो उस हवाले से भी अगर रहनुमाई मिल जाए, या कोई और साहब जो है इस ग्रुप में क्योंकि यूनियन से रिलेटेड है, तो ये एक देर पा मतलब नहीं चल पाता, जैसे 3 महीने चल जाता है ऐसे 90 डेज मतलब निकाल देता है प्याज, उसके बाद थोड़ी सी स्मेल इसमें आना शुरू हो जाती है आफ्टर फ्राई। जी वो उसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि ये कि हार्वेस्टिंग से 15 दिन पहले इरिगेशन स्टॉप करें, दूसरा विद लीव्स आप उसको अपरूट करके उसको शेडी प्लेस पे पहले क्योर करें प्रॉपर। वो यही होता है कि पानी अगर लीव्स आपके पूरे ड्राई नहीं है तो मॉइस्चर उसके अंदर होता है जिसकी वजह से फंगस अटैक करती है और वो स्मेल और वो उसके अंदर ऊपर मोल्ड भी लग जाती है और वो रॉटनिंग भी शुरू हो जाती है। तो बेटर इसके लिए यही है कि एक तो पानी स्टॉप करें इरिगेशन से 15-20 दिन पहले, वो हार्वेस्टिंग से 15-20 दिन पहले इरिगेशन स्टॉप करें और उसके बाद प्रॉपर उसकी क्योरिंग करें तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योरिंग के बाद लीव्स कट करें, जो उसका फॉलिएज है उसको ड्राई करके फिर कट करें। जी हम तो असल में जब मंडी में आ जाता है प्याज उसको तो उसको बाइंग करते हैं, लेकिन ये आपकी अच्छी सुजेशन है इंशाल्लाह, इस पर हम देखेंगे कि पहले से फील्ड से जाके फार्मर से बात करके तो फिर उस पर इसको जरा जैसे आपने कहा है कि पहले स्टॉप कर लिया जाए इसको पानी को, इंशाल्लाह इस पर देखते हैं इस साल सीजन में। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। अब्दुल लतीफ साहब अगर आपको इसके अलावा जो है इसमें और कौन से इश्यूज आते हैं एक्सपोर्ट में फॉर ऑनियन एक्सपोर्ट, आपको वैल्यू चेन में कोई बताएं जिस किस्म का आपको हिंड्रेंस आते हो मिडिल ईस्ट के मार्केट में, थोड़ा वो मेंशन करें। मेन चीज तो हमारी जो है गल्फ में, तो क्या आपको पता है सर्टिफिकेशंस और सारा होता है तो वो सारा हमें पूरा इनका करना पड़ता है, पेट भरना पड़ता है डॉक्यूमेंट की शेप में। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इसकी मार्केट अच्छी है, इस वक्त 9 kg का जो कार्टन है $16 उसकी प्राइस है इस वक्त करंट मेहरान शान, और जो इसमें आप देखें मतलब 9 kg की पैकिंग के ऊपर आपका एक्सपेंस कितना आता है वो आपका $7-8 उसका एक्सपेंस है। तो इट्स मीन यानी 100% प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये, और हमारे फार्मर्स को अगर थोड़ा मोटिवेट किया जाए और यहाँ पे कुछ मिनी प्लांट लग जाएं, क्योंकि ये ज़्यादा खर्चा नहीं है, 8-10 लाख की इन्वेस्टमेंट से ये छोटा सा आप प्लांट 8-10 बंदे बाय से रोजगार भी हो जाते हैं, दे विल गेट अर्निंग स्टार्ट अर्निंग। तो इस तरह के अगर कुछ प्लांट लगाए जाएं तो इंशाल्लाह इसमें यह है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और नेशनल फूड भी, शायद अदनान साहब कंफर्म करेंगे कि ये भी बाइंग करते हैं जी। इवन के ये फ्राइड प्याज भी मेरे ख्याल में ये बाहर से भी लेते हैं और अपना भी तैयार करते हैं। इसी तरह मेहरान शान आपके पता ही है, इनकी भी गल्फ में माशाल्लाह और यूके यूरोप में एक्सपोर्ट होती है। ये मैंने बस इसीलिए डिस्कस कर लिया कि चले मतलब हम फायदा उठा रहे हैं तो हमारा कोई और भाई भी फायदा उठाए। ऐसे लतीफ साहब हमारा पर्पस यही है, पीएचटेक का पर्पस यही है कि हमारे जो ग्रोवर हैं प्रोसेसर हैं हाँ, तो उनको डायरेक्ट जो मार्केट में यानी एक्सपोर्ट मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है उनको ना सिर्फ हम बताएं बल्कि जो इश्यूज आ रहे हैं आप लोगों को हम उसमें असिस्ट करें। जैसे महवेश साहब ने तकरीबन सारा वैल्यू चेन को डिस्कस किया, हमारी कोशिश होती है कि अगले हम जो जितने वेबिनार करें इस टॉपिक पे तो हम आपको एक्सपोर्ट से भी एक्सपोज करें कि किस कंट्री में हमारा एक्सपोर्ट जा रहा है और वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है। आपको मुझसे ज्यादा इस चीज के बारे में पता होगा कि वैल्यू चेन में जो भी चीज होती है वो कंज्यूमर के हिसाब से देखी जाती है कि वहां का कंज्यूमर कौन सी चीज कह रहा है, वैल्यू एडिशन कौन सी कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना हम थोड़ा बहुत इसको फर्दर इम्प्रूव कर रहे हैं चीजों को, और हम अपने डेटाबेस को भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे टॉप प्रोसेसर हैं ग्रोअर हैं उनको हम लिंक क्रिएट करें। और जिस कंट्री में लेट सपोज अगर आप कह रहे हैं कि आपका यूएई में जा रहा है तो हम यूएई में हमारे कमर्शियल मिशन जो है उनको भी आपके साथ डायरेक्ट लिंक क्रिएट करवा रहे हैं ताकि आपको जो इश्यूज आते हैं उसमें हम आपको असिस्ट कर सकें।
आपने सही फरमाया कि हम जो है इसको अगर छोटे लेवल पे हम इसको क्लस्टर बेस करके रखें तो बहुत इसमें पोटेंशियल है, बहुत अच्छा हमारा इसके एक्सपोर्ट ग्रो कर सकती है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितने हमारे पार्टिसिपेंट है उनको बताने के लिए कि भाई दुनिया जो है ना वेजिटेबल की फ्रूट की हर जगह पे डिमांड है, उसको इम्प्रूव करें, उसकी पैकेजिंग इम्प्रूव कर लें और उस कंट्री की रिक्वायरमेंट समझ लें कि कौन से हैं, वो हमारा काम है आपको बताना। आपने अपने तरफ से थोड़ी बहुत हिम्मत करनी होगी, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। आप जो मंडी में भिजवाते हैं उससे शायद 5% 10% आपका ज्यादा खर्चा हो जाएगा, लेकिन आपको एक किस्म का एक लाइन बन जाएगी एक्सपोर्ट करने की। यही चीज जो है वियतनाम का फार्मर भी कर, ये चीज चाइना का फार्मर भी कर रहा है, इंडिया का फार्मर भी कर रहा है। मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक साहब मिले इंडिया के जो वहां पे अपना अचार बेच रहे हैं, वो 3 मेंबर फैमिली है जो सारी चीजें खुद करते हैं, रिक्वायरमेंट का हमको पता है उसको करके, दे आर बिलियनर। अच्छा, उसके साथ हमने कितने लोगों को उसके साथ रोजगार से लगाया हुआ है। तो हमारा पर्पस यही है कि ना सिर्फ हम जितने वैल्यू चेन के इश्यूज हैं उनको डिस्कस करें, बल्कि उनके साथ जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको भी डिस्कस करें कि किस तरीके से हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे जहन में जो कॉन्सेप्ट है ना कि पता नहीं कि वहां पे चीजें हमारी चलेंगी नहीं चलेंगी, भाई वहां पे 50 हमारे ट्रेड मिशन बैठे हैं 50 कंट्रीज में, वो आपको असिस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, वो आपके टैक्स के पैसों से जो है ना उनको सैलरी मिल रही है। उनसे आप काम लें, उनसे कहें कि भाई मुझे इस चीज में जरूरत है, इसमें मुझे असिस्ट करें, ये उनका काम है रिस्पॉन्स करना। नहीं करते तो फिर आप हमें बताएं। तो हम यही कोशिश है पीएच टेक की, अभी जो हमने ये सीरीज कर रहे हैं वेबिनार्स की या अवेयरनेस की कर रहे हैं, तो ये एक किस्म का हम अपने भाइयों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये एक अपॉर्चुनिटीज हैं जिनसे फायदा लें। हमारी एग्रीकल्चर का सबसे पॉजिटिव चीज कौन सी है कि प्रोडक्ट हमारे पास है, सिर्फ हमें रास्ते का पता नहीं है। तो ये हमारा काम है कि आपको रास्ता दिखाना। वी आर अवेलेबल, हमारी वेबसाइट है उस पर सारी चीजें जो है ना अवेलेबल है, आप हमसे करें, वी विल रिस्पॉन्ड टू यू। जिस तरह से माशाल्लाह वेबिनार और इस तरह की मीटिंग्स आप अरेंज करवा रहे हैं, इवन के कॉन्सुलेट को भी और एम्बेसीज को भी आप इन्वॉल्व करते हैं, तो माशाल्लाह एक अच्छा स्टेप है। लेकिन जो गल्फ कंट्रीज में हमारे साथ एक रिस्पॉन्स रहना चाहिए हमारे अपनी एम्बेसीज का, उस टाइप का हमें कॉपरेट नहीं मिल पाता सर उसमें। जैसे हमें कुछ डेटाबेस चाहिए होती है कुछ इसके ऊपर, जैसे जैसे कल एक बात हो रही थी कुछ मार्केट की हो ना हो, थोड़ा सा उसके मतलब हमें डेली अपडेट्स मिलती रहें, कुछ इस टाइप का कोई एक नेटवर्क टाइप कुछ चीज़ बन जाए ताकि हम जो है वो उसको फोकस करते हुए इंडियन मार्केट का। मैं जैसे आपने रेफर किया तो मैं भी रेफर ये करूँगा कि उनकी गवर्नमेंट और उनकी एम्बेसीज और उनके जो कमर्शियल अटैचिंग है उनका काम ही यही होता है, वो इवेंट्स में घूम रहे होते हैं कि यार आप हमें बताओ क्या लाना है क्या देना है क्या करना है, इवन के उनकी कम्युनिटी का मतलब नहीं होता है सेमिनार्स या इवेंट्स, वो हमें नजर आते हैं जी। इवन दीगर जो बिजनेस काउंसिल्स होती हैं उनमें भी इवेंट्स में भी जंप करते हैं, लेकिन हमारा कोई नुमाइंदा या हमें कोई नजर नहीं आता एम्बेसी की किसी भी गल्फ कंट्री में। ठीक है, मैं आपको अपनी ईमेल एड्रेस में शेयर कर रहा हूं इधर इस ग्रुप में चैट में, आप मुझे ईमेल करें, वी विल हेल्प यू। मेरे दो ईमेल एड्रेसेस हैं, आप दोनों पे मुझे आप ईमेल करें, जो आपको हेल्प की जरूरत चाहिए इंशाल्लाह हम आपको हेल्प करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू जी। दाऊद अवान साहब आपको क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर। मैं एक चीज सर, मेरे दो क्वेश्चन है, एक तो मेरा मकई पे है, मतलब कि मैंने मकई लगाई हुई है तो वो, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना आफ्टर सिल्किंग और टेस्टिंग के बाद उसके नीचे से बॉटम से जो लीव्स है ना वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि ग्रेजुअली। और दूसरी बात ये है कि मेरा अपना खीरे पे सवाल है, खीरा मैंने लगाया हुआ है कुछ रकबे पे तो उस पर व्हाइट फ्लाई का काफी ज्यादा अटैक है, वो उसके बारे में काइंडली रहनुमाई करते हैं। थैंक यू। दाऊद साहब आज का जो वेबिनार है वो अनियन के ऊपर है, अनियन का क्वेश्चन है तो जरूर पूछे, हम खीरे के ऊपर और मकई के ऊपर आपको अलग से गाइड करेंगे इंशाल्लाह। चलिए ओके ओके। क्वेश्चन नोट कर लें, दाऊद साहब का ईमेल एड्रेस भी ले लें, आप उनको रिस्पांस कर दीजिएगा। जी सर जी, नोट कर लिया सर, हमने नोट कर लिया। दाऊद साहब आप, आपके साथ ये हमारे ईमेल्स और जो हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो हमने 2-3 बार शेयर किए हैं चैट में,
वो भी नोट कर लें, आप हमें अलग से भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको एड्रेस करवा देंगे जी। दाऊद साहब आप अपना जो सेल नंबर है वो पहले ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपसे कांटेक्ट करके आपके जो इश्यूज हैं उसको वो आपके साथ शेयर कर लूंगा। थैंक यू। ओके हो गया सर, ओके हो गया, ओके ओके, थैंक यू सो मच। डॉक्टर जावेद तरीन साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं? सर बहुत शुक्रिया खावर साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं हमारी सिस्टर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्रॉप है हमारा इसका ऑनियंस का। अथर साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ टू पाकिस्तान आफ्टर हिज विजिट टू ऑस्ट्रेलिया। मैंने 2015 में ऑस्ट्रेलिया मैंने भी विजिट किया था, वहाँ ऑनियन की क्रॉप मैंने देखी थी फील्ड में बाकायदा। जो ऑनियंस की वैरायटी वहाँ लग रही है वो है सैलेड वाली, वहाँ पर मेनली सैलेड वैरायटीज की ज़्यादा डिमांड है, जबकि हमारे यहाँ इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये एक हमारे उससे मिसिंग है, जिस इस वक्त जो हमारे उसमें जो सैलेड के तौर पर जो वराइटीज यूज हो रही है वही जो करनरी पर्पसेस के लिए यानी कि जो कुकिंग पर्पज के लिए वही वराइटी है। एक तो ये इशू है मैडम अगर कांडी, ये भी आप नोट कर लें। दूसरा ये कि बलूचिस्तान इस वक्त इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ऑनियंस की वो टॉप पर है, तकरीबन ये कोई 7 लाख टन के करीब है। अभी कल रात ही मैं पहुंचा हूँ हरनाई से, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है और बड़ा महरूम और बड़ा सा बैकवर्ड हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन नेचर ने इसको इतना वो किया हुआ है, नवाजा हुआ है कि राउंड द ईयर वहाँ पे कोई ना कोई सब्जी की प्रोडक्शन हो रही है। तो अभी कल ही मैं फील्ड से आ रहा था तो मैं देख रहा था वहाँ पे ऑनियंस की हार्वेस्टिंग हो रही थी, उसको वो सैक्स में भर रहे थे और मार्केट में आ रही है, और तकरीबन 50,000 टन के करीब ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है हरनाई, अगर आप गूगल कर लें तो वहाँ पे इसकी ऑनियंस की प्रोडक्शन हो रही है। तो मेनली अगर आप देखें बलूचिस्तान इस वक्त 7 लाख टन, और मैं अगर हमारे स्टैटिस्टिक्स के हवाले से देखा जाए तो क्योंकि ऑफिशियल डेटा यही है, लेकिन मेरा ये है जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, अगर अथर साहब भी बैठे हुए हमारी इसमें वेबिनार में अटेंड कर रहे हैं खुद भी, उनकी टीम खबर साहब हैं, जफर साहब हैं, ये बैठे हुए, और ये माशाल्लाह पीएचडी जो काम कर रहा है उसकी काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं हमारी पाकिस्तान की। तो आपकी बात अथर साहब बिल्कुल ठीक है, हम पैदावार तो ले रहे हैं लेकिन वो क्वालिटी के प्रोडक्शन हम नहीं ले पा रहे हैं। इस जैसे इकोनॉमिक्स का एक टर्म है कि फॉर द मार्केट टू द मार्केट, इस वक्त टू द मार्केट की प्रोडक्शन हो रही है, हम सिर्फ जो वट एवर वी प्रोड्यूस वी टेक टू द मार्केट, जस्ट उसकी प्राइस मिली या नहीं मिली, कभी मिल जाती है क्योंकि मार्केट में अगर कम है तो प्राइस अच्छी मिल जाती है फार्मर बेचारे को, और अगर ग्लट है मार्केट तो वो बेचारा रोता हुआ घर आ जाता है क्योंकि उसने उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके आधे उसे पैसे मिल रहे होते हैं। तो आप अंदाजा करें तो उसकी लाइवलीहुड का उसका क्या वो होगा। यही कल मैं देख रहा था फार्मर्स, उनसे मेरी बात भी हुई, वो कह रहे थे कि हमें उस तरह से रिटर्न नहीं, हम तो हर साल लगाते हैं, सीजन भी इवन डबल है। तो अगर ये अगर हम सही तरीके जैसे आपने वहाँ इंडियंस का हवाला दिया ऑस्ट्रेलिया में कि जी वो अचार को इतने बेहतरीन तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका बिजनेस भी इस्टेब्लिश है, वो ऑनियन को भी हम इसी तरह से अगर हम उसकी एक तो बाय प्रोडक्ट्स भी बना सकें क्योंकि उसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि सीजन में इसके प्राइसेस जो है ना बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है आजकल, फिर इसकी कीमत बहुत नीचे है। तो ये काइंडली अगर इस हवाले से देखा जाए, यहाँ पर बलूचिस्तान में यूरोपियन यूनियन का एक प्रोजेक्ट है ग्रेस्प, वो काम कर रहा है, एक और यूरोपियन यूनियन के पिछले दिनों मेरी उनके साथ मीटिंग थी यहाँ क्वेटा में, लेकिन उनके पास भी अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमने क्या काम करना है, और वो काम करना भी चाह रहे हैं मेनली हॉर्टिकल्चर पे। तो इस हवाले से मेरी ये मतलब सजेशन भी है, हमारी सिस्टर भी बैठी हुई है, इनका तो काम इसी के ऊपर है, इसी क्रॉप के ऊपर है, और इनका डायरेक्टरेट ऑनियंस पे मतलब काम कर रहे हैं। वो इस हवाले से इसके इश्यूज देखे जाए मेनली, एक तो ये कि हम वैरायटीज इंट्रोड्यूस कर सके, एक अमेरिकन वैरायटी यहाँ इंट्रोड्यूस हुई पिछले 10-15 साल पहले, उसकी बड़ी अच्छी बम्पर क्रॉप आई है और हो रही है मेनली यहाँ पर। तो अगर इस किस्म के अगर हम इंटरवेंशन करें और कुछ वैरायटीज भी इंट्रोड्यूस करें तो तब जाकर हम इसमें जो वैल्यू एडिशन भी कर सकेंगे,
उसकी प्रॉपर मार्केटिंग भी कर सकेगी। तो ये मेरे कुछ वो भी हैं, ऑब्जर्वेशंस भी हैं और एक आध उसमें क्वेश्चन भी है, तो इफ एनीबॉडी कैन रिप्लाई। बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू डॉक्टर साहब। इसमें जो आपने जैसे मैं डाटा भी देख रहा था महवेश साहिबा का, माशाल्लाह बलूचिस्तान हमारा टॉप में है इसमें ऑनियन प्रोडक्शन में, लेकिन हमारा इतना एक्सपोर्ट अच्छा नहीं है स्पेशली फ्रॉम द बलूचिस्तान। तो इस सिलसिले में एक मैं अभी खावर को कहता हूँ कि हम इंशाल्लाह जुलाई में आपके पास आकर हरनाई में ही एक सेमिनार कर रहे हैं और जिसमें कोशिश करेंगे कि जितने भी ग्रोअर हैं हम उनको इनवाइट करें, उनको जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन दें हम, और दूसरा जो मार्केट में डिमांड है खासतौर एक्सपोर्ट मार्केट में वो भी हम आपको इंट्रो दें, इंशाल्लाह कोशिश यही होगी। तरीन साहब आप हमें रिकमेंड करें सेमिनार जो हमने वहां करने हैं, शायद एक्सेसिबिलिटी का इश्यू हो लोगों के पास, इंटरनेट कितनी फैसिलिटीज नहीं हो, तो हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे जो सेमिनार हैं वो बलूचिस्तान में हो। मुझे 5 माह हुए हैं इसमें पीएचडी ज्वाइन किए हुए, लेकिन जो पोटेंशियल मुझे बलूचिस्तान में नजर आया है वो तीनों सूबों में नजर नहीं आया। ये मेरा फर्स्ट जो है ना एक किस्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि बलूचिस्तान में इतनी जो है ना पोटेंशियल है और हम उसको अनटैप नहीं कर पाए। आप हमें रिकमेंड करें अदर देन दी ऑनियन कोई और आप समझते हैं सब्जेक्ट है जिन पे हमें इवेंट करने चाहिए, हम आपके डोर पे आएंगे वहां पर आकर इवेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया अतर साहब, आपने बड़ा अच्छा, एक तो लकी लिए आपने बलूचिस्तान को जो है ना, हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी कि आपने चीजों को जो है ना एप्रिहेंड कर लिया है कि जी बलूचिस्तान में ही पोटेंशियल है जी। दोनों तरफ से आप बलूचिस्तान में आपके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हवाले से आपके पास पोटेंशियल्स हैं जी। जो एग्जिस्टिंग आपका है उसी को अगर आप थोड़ा सा उसमें इंटरवेंशन कर दें, मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को जो है ना इंट्रोड्यूस कर दें, तो हम काफी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कल मैं डीसी साहब के साथ ही बैठा हुआ था, वहाँ के आरिफ जरकून साहब हैं, यंग डीसी हैं, तो वो भी बड़े ज्यादा वो थे कि इतनी ज्यादा प्रोडक्शन है। एक इशू वहाँ पर ये भी, रोड नेटवर्क भी ना होने के बराबर है। अभी हम हार्डली ये 1.5 घंटे का रन है वहाँ पे, लेकिन हम 3.5 घंटे में कोयटा पहुंचे। आप यकीन करें रोड्स का ये हाल है। चले हम तो फिर भी पहुंच जाते हैं। आप हवाला इससे, आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो हॉर्टिकल्चरल कमोडिटी है वो कैसे पहुंचती होगी जी, और उसका उसके तमाम रास्ते इसी तरह है वहां से जो निकलते। एक ट्रेन है, वो ट्रेन का रास्ता भी बंद है, जहाँ से जो ब्रिटिश टाइम का प्री पार्टीशन का वहाँ पे ट्रेन का वो है, बड़े बेहतरीन नेचुरल व्यूज भी हैं वहाँ पर, सीनिक इतने बेहतरीन वहाँ पे एरियाज हैं, और पानी भी बहुतात में है, तो वाटर भी है, नेचर भी अवेलेबल है, हर चीज है, लेकिन हम चीजों को जो है ना उस तरह से वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि वहाँ पर आप एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो मैं वहाँ की जो एग्रीकल्चर का सेटअप है, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उन सबको मैं ऑनबोर्ड भी कर लूँगा इंशाल्लाह, और एक अच्छा प्रोग्राम। ये अभी तो खैर हार्वेस्टिंग तो हो गई है, लेकिन बार बार फार्मर्स के लिए अवेयरनेस के लिए कि जी उनकी क्रॉप की क्या वो की जा सकती है, अगर वो सलीके से और करीने से करें, तो क्रॉप की कंडीशन भी उतनी खास नहीं थी। अब जिस तरह से वो बस वही वाली बात थी, टू द मार्केट जो प्रोड्यूस कर दिया और मार्केट को पहुंचा रहे हैं जी। अब फॉर द मार्केट हमने करना है, तो उसमें जो है ना हमने उनको सिखाना है, उनकी जो है ना ट्रेनिंग करनी है, हमें उन्हें बताना है। अब जैसे मैडम है हमारे पास, इनकी जो एक्सपर्टीज है, अगर हम ऑनलाइन ले रहे हैं, अगर ये नहीं आ सके, अगर आ सकती है तो बड़ा अच्छा है कि बलूचिस्तान का एक्सपीरियंस हो जाए, एक पूरे पाकिस्तान के जितने सारे फ्लावर्स हैं इकट्ठे हो जाए एक सूबे में, तो एक जो सुबह महरूम है उसको देखने उसकी क्या कंडीशन है फील्ड में, तो तब जाकर हमें इसके जो रियल ऑन ग्राउंड इश्यूज हैं वो सामने आएंगे, तो तब हम अपनी चीजों को टेबल कर सकेंगे, बिल्कुल सर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना सकेंगे। अब प्रोडक्शन तो हो रही है, ठीक है, लोकल कंजप्शन के लिए काफी है, हमें मिल रहा है मार्केट में बड़ी अच्छी, मतलब एज ए कंज्यूमर प्राइस बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप उसके बैक उसमें बैकग्राउंड में आप देखेंगे फार्मर को क्या मिल रहा है, तो ये बड़े इश्यूज हैं सर। अगर जब तक आप अपने फार्मर को उसकी लाइवलीहुड को अगर हम उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, उसको बेटर नहीं करेंगे, तो आप यकीन करें हमारे एग्रीकल्चर आहिस्ता आहिस्ता ये खराब होता जाएगा, हम प्रोडक्टिविटी से ले जाएंगे, हम टोटली इम्पोर्ट्स पे जो है ना डिपेंडेंट हो जाएंगे, बिल्कुल सर, एक चीज है जी सर। दूसरा ये मैं इंशाल्लाह सर हम आपसे रब्ता करते हैं, आपसे हम रब्ता करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेमिनार जो है वहां आकर आपके रीजन में करें हम। अच्छा सर, मैं इसमें एक चीज और, दूसरा ये मैं जुल्करनैन साहब का भी जिक्र करना चाहूंगा, वो भी बड़े एक्टिव हैं,
काइंडली एक साहब मेरा नंबर भी पूछ रहे हैं यहाँ पर उन्होंने कमेंट्स में, तो जुल्करने साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरा नंबर अगर काइंडली शेयर कर लें, क्योंकि मुझे अभी यहाँ इतना ज्यादा यूज आदि उस तरह से फेमिलियर नहीं हूँ उसके साथ कि नंबर कैसे मैं शेयर कर लूँ, तो जुल्करने साहब से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है काइंडली अगर ये जी कर देते हैं सर, नंबर शेयर कर लेते हैं सर। पिछले दिनों भी आपने एक अनियन के ऊपर सेमिनार किया था। मैं तो अथर साहब को यही कहूंगा कि हमारी मीटिंग उन्होंने वहां पे भी कॉल की थी टीडीएम में, मैं बात करूंगा एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहाँ पे ये डिसीजन हुआ था कि हम कुछ वैरायटीज जो हमने ट्रायल की थी हमारी तरफ से ही, आउट ऑफ 7-5 सक्सेसफुल हुई बलूचिस्तान में और 4 सक्सेसफुल हुई सिंध में, तो हमने वो सीड की रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया था साहब, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। अच्छा देखें, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हमारी बेटी ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी और जिस तरह उसने सारा मेहनत किया इसके ऊपर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो वैरायटी, फलकारा वैरायटी इज नो मोर। मतलब फलकारा वैरायटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन क्योंकि सीड के ऊपर कोई गवर्नमेंट की रेगुलेटरी की अथॉरिटी नहीं है कि मार्केट में जो सीड बिक रहा है वो फलकारा है या नहीं है, वो फिर फलकारा कह के बिकता है फिर पता चलता है, क्योंकि सीड देख के कोई फार्मर नहीं बता सकता कि ये पलकारा है या नसर पूरी है या कोई और वैरायटी है। पाकिस्तान की जो वैरायटी थी पलकारा, इट वाज एक्सेलेंट और इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी थी, वो रीग्रो नहीं होती थी, और इसकी वजह से जो है ना चाहिए इससे ज्यादा ना हो, क्योंकि ड्राइंग प्रोसेस फील्ड पे ही उसे करेंगे, जब मॉइस्चर ज्यादा होगा तो फंगस भी क्रिएट होता है, तो हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अनप्रोफेशनल वो एक्सपोर्ट कर देते हैं और डेस्टिनेशन पे वो वैरायटी जो है हम हो जाती है कि फिर वो पाकिस्तानी अनियन का एक इमेज खराब हो जाता है कराची के अंदर। तो ये हमारे आप जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि नो डाउट बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बलूचिस्तान इज वर्जिन, फोकस रखना चाहिए बलूच फील्ड में जाके किसके काम करने चाहिए, और बस हम दे इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस के लिए कोई सपोर्ट करे, तो इससे ये होगा कि अगर क्रॉप खराब हुई है तो इजीली पता चल जाता है, ये नहीं है होगा तो सबके लिए होगा, तो गवर्नमेंट है ना इसके ऊपर जरा फोकस करे, इंश्योरेंस प्रीमियम या समथिंग जो कैश क्रॉप खराब हो रही होती है, ताकि फार्म जो छोटे फार्मर है, मैं छोटे फार्मर की बात करूँ, उनके पास इतना पैसा हो कि आने वाले साल क्रॉप के लिए उनके पास पैसा हो, उनको गवर्नमेंट इन शेप ऑफ सीड दे दे, फर्टिलाइजर दे दे, पेस्टिसाइड स्प्रेस दे दे, जो भी दे, कैश बेशक ना दे, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे हमारी आने वाली फसल को प्रोटेक्शन मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पखाली साहब, आपकी ऑब्जर्वेशन और वेल नोटेड। जो आपने इंश्योरेंस की बात की, तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मीटिंग हुई है उसको आगे लेके चले हम। हमारी कोशिश यही है कि जो चीज NICL कह रही है उसको हम थोड़ा बहुत फर्दर इम्प्रूव करें,
जिस तरीके से उन्होंने 5 क्रॉप्स को उन्होंने इंश्योरेंस दी हुई है ऑलरेडी 2008 की पॉलिसी से, इस तरीके से हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट को दें, क्योंकि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट जो हमारी है वो क्लस्टर वाइज है, यानी अगर हमारा मैंगो क्लस्टर हैदराबाद मुल्तान है, ऑनियन का हमारा क्लस्टर ज्यादा बलोचिस्तान में है तो उसको दे। जिस तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि पूरे एरिया को कवर करें तो हमारे लिए इशू बन जाता है, फिर वही गवर्नमेंट वाली पॉलिसी आ जाती है कि नाम जो है ना ये इम्प्लीमेंटेबल हो जाता है। तो इसलिए हमारी कोशिश यही है, एनएफएल के साथ हमारी इसी हफ्ते एक और मीटिंग है और बाद में यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी ये चीज लेकर जा रहे हैं कि जब तक हमारी ये क्रॉप की इंश्योरेंस नहीं होगी, फार्मर प्रोटेक्टेड नहीं होगा, सिक्योर नहीं होगा, अनसर्टेनिटी रहेगी, तो वो फर्दर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका बेचारे का ओढ़ना बिछोड़ना ही वो फसल है जिसे वो कमाता है। और उसमें जो है हमारी कोशिश यही है कि किसी हद तक हम NICL को इस पे लेकर आए। NICL हमें ये कह रहा है कि जो हमारा री इंश्योरेंस है वो इस चीज पे एग्री नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट लेवल पे हम इसको टेकअप कर रहे हैं कि जितना हो सके कि हम इसको प्रोटेक्ट करें। और इसमें हमारी कोशिश यही है कि जिस तरीके से फार्मर हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है तो आरती का रोल थोड़ा कम हो जाएगा, इतना आरती का रोल एक अपनी जगह पे है और वो रहेगा हमेशा, लेकिन ये है कि वो उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा हमारा जो छोटा फार्मर है। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है हमारी। आपने सीड वाली बात बेहतरीन की कि अभी जो है आपने फुलकारी सीड का जो कहा तो उसकी बहुत माशाल्लाह पोटेंशियल भी है और उसमें डिमांड भी है, इसमें जितनी पॉसिबिलिटी हो सकेगी हम असिस्ट करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि आगे जब इसी प्रोडक्ट पे हम सेमिनार करें तो ये चीजें रिपीट ना करें, बल्कि हम अपने लोगों को सिर्फ जो है हमारा जो रेलिवेंट ट्रेड मिशन है उसको भी बुलवाएं, वो आकर लोगों को गाइड करे कि भाई यूएई की मार्केट में किस चीज की डिमांड है, ऑनियन में हम वैल्यू एडिशन कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड है। और दूसरा जो मेरे जहन में चल रहा है कि हम थोड़ी बहुत रिवर्स इंजीनियरिंग करें, लेट सपोज अगर इंडिया का वहां पे ऑनियन का अचार पड़ा हुआ है तो उसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, वही चीज हम अपने फार्मर को बताएं, भाई जो चीज इंडिया कर रहा है वो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। अगर मुझे वो इंडिया का अचार ऑस्ट्रेलिया में मिला ऑनियन का, उसमें जो इंग्रेडिएंट मेंशन है वो हम अपने लोगों को बताएं, भाई वो चीज वहां ये चल रही है आप उस चीज को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर लें तो बना सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे जहन में यही कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने के बजाय छोटे छोटे क्लस्टर बेस्ड प्रोजेक्ट करें, लोगों को अवेयरनेस दें, सक्सेस स्टोरी बना के दें ताकि चीज आगे चल पड़े। बातें बहुत हो गई, प्रैक्टिकल हमारे पास बहुत कम है, तो हमारी कोशिश ये है कि लोगों को प्रैक्टिकल चीजें करके दिखाएं और उनको आगे लेकर चले। हम थैंक यू वेरी मच जी। को नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जी खावर साहब, मैं बिल्कुल जो है वो अर्ज करूंगा, अख्तर साहब की बात को कंटिन्यू करूंगा कि एक तो इंश्योरेंस की बात हुई तो देखें हमारा बहसियत नेशन कौम जो है वो हम आसानियां ढूंढते हैं, तो फिर वही इंश्योरेंस अगर आ जाती है तो फिर जो किसान मेहनत कर रहा है वो भी नहीं करेगा कि चलो यार मुझे प्रीमियम की मद में जो है वो मेरा इंश्योरेंस जो है वो रिकवर कर देगी, तो एक तो ये साइड इफेक्ट होगा इंश्योरेंस का। दूसरा मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा ना छोटे छोटे क्लस्टर में काम करना चाहिए, तो सर बिल्कुल मैं 3-4 इंडियन ग्रुप के रेफरेंस में आपको दे सकता हूँ कि वो क्या करते हैं कि उनके इंडिविजुअल्स जो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर से जो है वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलकर एक दूसरे की सपोर्ट से कुछ ग्रुप्स जो है वो कुछ लोग जैसे यहाँ पे माशाल्लाह हमारे इस ग्रुप में अदील साहब भी हैं और डॉक्टर तरीन साहब हैं, इस तरह के लोग अगर आगे आते हैं तो इनके साथ मैं इंडिविजुअल को जोड़ना चाहिए और गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ इनको A to Z यानी फार्मर के साथ वो सर लेते हैं, फार्मर से सामान लेते हैं, फार्मर को गाइड करते हैं कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, इसको क्लियरेंस कैसे करवाना है, इसकी एजेंट जो है वो क्लियरिंग एजेंट उसके लिए अरेंज करते हैं, वहाँ इसकी जो मार्केट है जैसे UAE मार्केट है, मलेशिया मार्केट है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की, सिंगापुर में पहुँचा रहे हैं इंडियन ग्रुप्स, तो वो हमसे काफी पाकिस्तानियों से भी लेकर वो वहां से दुबई वगैरह से UAE से लेकर आगे एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह के ग्रुप सर हमें कुछ अरेंज करने पड़ेंगे। तरीन साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने थोड़ा अरसा पहले इस पर फिजिबिलिटी भी बनाई थी और कुछ वर्कआउट किया था, लेकिन जो सिक्योरिटी इश्यूज और प्रॉब्लम्स रही हैं बलोचिस्तान में उस हवाले से फिर हम आगे बढ़ नहीं सके सर। इस पर मैं UAE से 2-3 इन्वेस्टर्स भी थे मेरे साथ, उसमें काम करने को तैयार थे बलोचिस्तान में, क्योंकि ग्वादर और ग्वादर से आगे एक्सपोर्ट जो है वो इजीली है, तो वहाँ पर कुछ कारखाने वगैरह लगाने का भी था लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज और इस रीजन से जो है ना वो हमारा इंप्लीमेंट नहीं हम कर सके उसको।
इस पर भी थोड़ा सा अगर त्रीन साहब हमें गाइड करें तो हम ये जैसे छोटे छोटे प्लांट हम फार्मर्स को लगाकर खुद भी दे सकते हैं और हम इनसे माल ले भी लेंगे भी, अगर इस पर हम काम करना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह त्रीन साहब से जो है वो बातचीत मजीद कर लेंगे, अगर ये अपना नंबर भी शेयर कर दें। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी थैंक यू जी लतीफ साहब, त्रीन साहब का नंबर हम लोगों ने चैट में शेयर कर दिया जी, आप देख सकते हैं वहां से। त्रीन साहब आप जी सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। थोड़ा सा मैं अगर इनको वो कर दूं, रिस्पॉन्ड कर दूं इनकी जो क्वेरीज हैं, आपसे मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगेन वो जो आपका प्रोजेक्ट रह गया है अगर आप उसको वापस टेकअप कर लें दोबारा, तो जो फैसिलिटी आपको जो फैसिलिटेशन चाहिए होगी इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा, बल्कि गवर्नमेंट साइड से भी। अब मेरी पोजीशन भी यही है कि इस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम में हूँ, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, कमिश्नर, डीसी, आपको सिक्योरिटी चाहिए कंप्लीट, इंशाल्लाह सिक्योरिटी भी मिलेगी। अलबत्ता सिक्योरिटी के हालात जैसे पूरे पाकिस्तान के हैं उसी तरह बलूचिस्तान के भी हैं, नॉर्मल हैं, इस तरह से इंशाल्लाह कोई उस तरह से इश्यूज नहीं है। अलबत्ता अगर कहीं पे कंसर्न्स हैं तो उस हवाले से इंशाल्लाह आपको फुल वो क्या कहते हैं फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंशाल्लाह मिलेगी। आप सिर्फ जो है ना वो क्या कहते हैं इस अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से वो करें, स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह जितनी भी आपको वो चाहिए होगी हेल्प वो यहाँ से इंशाल्लाह आपको मिलेगी। दूसरी बात, एक और एक चीज मैं अथर साहब के भी नोटिस में लाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा अपना ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस था, आप यकीन करें वो वहां पर एक तो इतने बड़े साइज के बेहतरीन उनके ऑनियंस थे और वो ट्रिकल इरिगेशन पे, हमारे यहाँ ये चीज तो है ही नहीं, ट्रिकल इरिगेशन से ऑनियंस को ग्रो कर रहे थे, जबकि हमारे यहाँ फ्लड इरिगेशन है। एक तो ये बड़े इश्यूज हैं, दूसरा ये कि उनकी जो ऑनियन थे आप यकीन करें हमने उसे छीला फील्ड में, उसके वो ऊपर का जो कवर था वो हटा के हमने सेब की तरह उसे बाइट किया और खाया, उसमें कोई पंजेंसी नहीं थी उसके अंदर, कोई उसके ना हमारे आंसू निकले ना उसमें कोई स्मेल था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें काम करने की, ब्रीडिंग साइड पे वराइटीज के हवाले से काम करने की जरूरत है कि जब हम अपनी प्रोडक्शन ले रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान की कम से कम 20 से 25 लाख टन प्रोडक्शन है। अब 20-25 लाख टन आप अंदाजा कर लें कि इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आप लेने कम 20% तो है ही है। अगर हम वो 20% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो वही हमारी एक्सपोर्ट बन जाएगी। तो इसमें बहुत सारी चीजें करने की, तो इस हवाले से अच्छा सॉरी मैं एक अपने उनका जुल्कुरनैन साहब का भी जिक्र करना भूल गया था, सॉरी, क्योंकि वो भी टीम के पार्ट हैं आपके पीएचडी की और पीएचडी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो जुल्कुरनैन साहब इज वन ऑफ द एक्टिव मेंबर्स ऑफ द पीएचडी। तो ये आखिर सिर्फ मेरी ये थोड़ी सी सबमिशंस थी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। ये साहब जो इंश्योरेंस को नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ले रहे, ऐसा नहीं है, कोई नेशनल खुदा ना खास्ता जैसे नेशनल डिजास्टर आता है ना, जब पूरा क्लस्टर का या पूरे एरिया का क्रॉप खराब होता है, डैमेज हो जाता है, जाया हो जाता है, तब वो इंश्योरेंस जो है ना वो कैश क्रॉप के लिए हो, फार्मर को पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है। नेशनल डिजास्टर तो जब आ रहा है कि जब फसल तैयार होती है और वो कोई ढकी छुपी बात नहीं होती। तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा था कि हम जो है ना उसको देखा जाए, ये नहीं है इंडिविजुअल फार्मर बोले मेरी क्रॉप खराब हो गई, नहीं, कोई नेशनल डिजास्टर अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज होती है जब हम वो इंश्योरेंस सपोर्ट मिल जाए, बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जवेद तरीन साहब, सर आप फरमा रहे थे प्रैक्टिस के ऊपर बात कर रहे थे, क्वालिटी के ऊपर बात कर रहे थे, तो पीएचडीसी की ये जो सीरीज ऑफ वेबिनार्स और वर्कशॉप्स और सेमिनार्स जो है सर, उनका मकसद यही है कि लोग अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करें ताकि उनकी प्रोड्यूस की क्वालिटी और यील्ड बेहतर हो। ये आप भी समझते हैं, आप हमारे बल्कि एक्सपर्ट हैं सर, हमारे पैनल पे आपने बहुत सारी स्पीचेस भी दी हैं, जब तक इस तरह के सेशन चलते रहेंगे, लोग ट्रेनिंग लेते रहेंगे, तो वी होप कि हम लोग अपनी क्वालिटी और यील्ड को बेहतर कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं सर। हीरा महफूज साहिबा, आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम,
फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट प्रेजेंटेशन ऑफ अनियन एंड स्पेशली थैंक्स टू पीएच डेक कि हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे बैठे हुए ही मिल जाती है, वरना पहले प्रॉपर सेमिनार्स थे, वेबिनार वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बेहतर है. एंड स्पेशली थैंक्स टू जाफर साहब एंड वुल्कनैन साहब, क्योंकि ये मुझे जो है ना बार बार भेजते रहते हैं जो भी होता है, बिकॉज दे नो कि बिकॉज ऑफ सम पर्सनल हेल्थ इशूज़ में काफ़ी अर्से से ले नहीं सकी वेबिनार्स. एक दो मेरी पॉइंट्स ये थे कि एक तो मेन पॉइंट जो हमारा मैंगो का वेबिनार है, वो मैंने पहले भी एक बार रिक्वेस्ट की थी कि मैंगो से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से रिलेटेड, क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलर फार्मर्स को डील करते हैं ऑन डेली बेसिस और 25,000 प्लस फार्मर्स हैं जो डेली बेसिस पर हमें कॉल्स करके डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं. उसमें मैंगो से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट के लिहाज से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो अगर वो वेबिनार एक हो जाता है, चलो अगर वो सारे फार्मर्स नहीं भी आ पाते, एटलीस्ट हम उनके सवालों से रिलेटेड आप लोगों से पूछ सकें चीज़ें, वो हो जाए. सेकेंडली बलोचिस्तान के लिहाज से मैं ये पॉइंट कहना चाह रही थी कि किला सैफुल्ला और किला अब्दुल्ला से हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, लेकिन उनका जो मेन प्रॉब्लम वो लोग हमें शेयर करते हैं वो ये है कि हमारे पास यील्ड है, लेकिन वही जो सर ने बताया कि वहाँ पे रोड्स का स्ट्रक्चर और वो सारा प्रॉब्लम है. अगर हम उन्हें वैल्यू एडिशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन कर सकें और हम कुछ सेमिनार्स ऐसे ट्रेन कर सकें जो हम उन्हें करके दिखा सकें कि ये वैल्यू एडिशन के प्रोसेस हैं जिनके थ्रू वो अपनी चीज़ें आगे सेल कर सकते हैं, तो आई थिंक वो सेल करना और वो ट्रैवल करना उनके लिए एज़ कम्पेयर टू दूसरे चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है. बट बलोचिस्तान में जैसे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ पे किए हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम जो मुझे मेनली आई है वो ये है कि प्रोसेस बहुत स्लो है. मे बी अब चीज़ें चेंज हुई हैं तो वो बेहतर हो सकता है. मैंने आज से 2 ईयर्स बैक वहाँ पे काम ज़्यादा किया था, तो मेरा ख्याल है अगर हम कुछ ऐसे ग्रुप्स बना सकें जो हॉर्टिकल्चर के फ्रूट्स से रिलेटेड हो, जिसमें आपके फार्मर्स, आपके प्राइवेट आइडेंटिटीज और इसके अलावा आपकी गवर्नमेंट की जो है वो अगर वहाँ पे क्लब हों, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम फार्मर्स को उस चीज़ों पर गाइड कर सकें. थैंक यू जी. हीरा, हमारी कोशिश यही है कि हम जो है खासतौर मैंगो जो है इस पे हम अभी बाय होपफुली बाय नेक्स्ट वीक आपके साथ और सबके साथ हम शेयर कर लेंगे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में भी, और जो हमारा मार्केट पोटेंशियल है डिफरेंट, खासतौर अभी लास्ट ईयर में जो ट्रेंड हमने देखा है ईरान का, सेंट्रल एशिया का, फर्स्ट टाइम जो है कजाकिस्तान वाज नंबर 1 इन द एक्सपोर्ट ऑफ मैंगो, $36 मिलियन का हमारा एक्सपोर्ट हुआ है. तो हमारे अब दूसरा ये है कि हमारे जितने लोग हैं जो ग्रोअर हैं वो पिच कर रहे होते हैं वहां पे यूएई के मार्केट में, आपको हार्डली बड़ा डिफरेंस फील होगा यूएई की मार्केट का या कराची और लाहौर के मार्केट का मैंगो का. तो ये आखिर में ये लोग डंप करने की वजह यही है कि अवेयरनेस बहुत कम है. तो इस पे हम अभी ये सीरीज ऑफ वेबिनार शुरू कर रहे हैं, ना सिर्फ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का बल्कि जो अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, ये कहाँ कहाँ कौन से कंट्रीज में है, और वहां पे हमारा जो अभी जैसे ये हमारा लैंड का रूट जो है ना ओपन हुआ है अफगानिस्तान को, उससे आगे जो है किर्गिस्तान को, कजाकिस्तान को, उसमें इतना आप लोगों का जो है इनका जो है इतना खर्चा भी नहीं होता ट्रांसपोर्ट का. तो इस पे हम इंशाल्लाह होपफुली बाय नेक्स्ट वीक जो है इसका अनाउंस करेंगे और वीकली हम इस पे इंशाल्लाह वेबिनार करेंगे. आपने सही मेंशन किया किला सैफुल्ला का, अब्दुल्ला का, इस पे हमारी कोशिश यही है कि हम डेटा बेस कलेक्ट कर लें, तरीम साहब के रेफरेंस है, कहीं और से हमें डेटा मिल जाता है तो हम डायरेक्ट इन लोगों को पिच करें. हम अब हमारी अभी कोशिश है कि विद इन फ्यू मंथ टाइम जो है हम इनको वीडियो में रिकॉर्ड करके बताएंगे कि भाई वैल्यू एडिशन किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें कौन से आप इंग्रेडिएंट ऐड करें. और दूसरा, हम लोगों को एक अवेयरनेस कैंपेन ये भी शुरू कर रहे हैं कि आप अपनी ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को जो है किस तरीके से मार्केट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी आर ब्रिंगिंग इन द वीडियो फॉर्म. और उसके लिए हम उनको जितनी हो सकती है हैंड टू हैंड जो एक वो होती है अवेयरनेस, वो भी देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग हमारे इस चीज के बारे में अवेयर हो जाए और अपनी चीज प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में लेकर आ जाए. अच्छा सर, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं. थैंक यू सो मच सर. और सेकंडली जो आपने वीडियोस वाली पॉइंट ऑफ व्यू बात किया, मेरा 6 to 7 years का एक्सपीरियंस जो है वो विजुअल कंटेंट पे ही है एग्रीकल्चर के, तो एनीथिंग विच आई कैन हेल्प आई एम ऑलवेज देयर फॉर पीएच डेक. आपको जो भी हेल्प चाहिए हो, क्योंकि मैंने ज़्यादातर काम ही सारी मेजर क्रॉप्स की वीडियो जितनी भी हैं उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, उनकी वैल्यू एडिशन उस पर किया, तो अगर मैं कोई हेल्प कर सकूँ आई विल बी रियली ग्रेटफुल. वी विल बी ग्रेटफुल. हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू. हमारे नॉलेज में जो इजाफा कर रही है. असल में सर, मेन इशू आजकल जो आ रहा है WHO की तरफ से कुछ इंसेक्टिसाइड्स है ना, वो हमारे पास यहाँ पर काफी ज्यादा यूज हो रही है, लिहाजा एक्चुअली हमें इसके ऊपर भी रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट कुछ ऐसी चीजें जाती है बाहर
तो उसके ऊपर हैजर्ड्स जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज हुआ होता है वहां से वो रिजेक्ट हो जाती है। एक तो सर हमारे पास ये इशू भी आ रहा है काफी ज्यादा एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट है ना इसके ऊपर हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, उस पर हमें कुछ ग्रीन केमिस्ट्री को इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें गवर्नमेंट को चाहिए को इसके ऊपर कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाए कि हमारे मुल्क के ऊपर जो है ना जो इंसेक्टिसाइड यूज हो रही है उसको ग्रीन केमिस्ट्री उसके बाद जो है ना वो उसमें फार्मर्स को भी हम उस तरह से अवेयरनेस दें और उसके जो जो हम यूज करवाएं उसके ऊपर जो इंसेक्टिसाइड तो वो ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर हो या बायो ऑर्गेनिक के ऊपर हो वो इसके ऊपर सर हमें वर्किंग करने की बहुत जरूरत है। जी अदनान साहब इस पे हम अभी तो जो मेन प्रोडक्ट है हमारी राइस पे हम कर रहे हैं, एफ्लोटॉक्सिन के इशू आए हुए हैं, एमआरएल के जो वहां की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तो हम कर रहे हैं, बदकिस्मती से हमारा हॉर्टिकल्चर जो है ना नेग्लेक्टेड रहा है, उसकी हमने उस तरीके से केयर नहीं किया, तो हमारे इस पे भी इंशाल्लाह तवज्जो है कि वहां पे जब हम चीज को एक्सपोर्ट करते हैं ना तो उसके बाद जो है ना आप काफी एक्सपोज होते हैं कि क्या क्या हमारे इश्यूज आ रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट जो है 80% तीन या चार प्रोडक्ट्स हैं फ्रूट में और सेम इज फॉर द वेजिटेबल, तो हमारी कोशिश यही है कि हम जितनी अवेयरनेस क्रिएट कर सकें वो करने की कोशिश करें। आपका पॉइंट नोट कर लिया, इंशाल्लाह हम इस पे भी जो है ना एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया साहब। अदील जिया साहब आप बात करना चाह रहे हैं सर? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, आवाज आ रही है सर मेरी? सर थैंक यू सो मच और बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह गई थी। और ये जो अदनान साहब ये जो बात कर रहे थे ये सेकंड करूंगा सर मैं इसमें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो चीज एक्सपोर्ट हो रही है यहाँ से इन फॉर्म ऑफ मसाले, इन फॉर्म ऑफ ये जो हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के अंदर इंडिया की जो मार्केट है उसके थोड़ा सा हमने सर्वे जो किया था वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो मार्केट उनकी वो है उसके अंदर सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, उसके अंदर उनको सब्सिडीज दी जा रही हैं, उनको बहुत सारी ऐसी चीजें दी जा रही हैं जिसकी वजह से ना उनकी प्राइस रेशियो जो है उनका जो प्राइस जो हम लोग जो मार खा रहे हैं एक्सपोर्ट में हम लोग प्राइस पे मार खा रहे हैं क्योंकि हमारी जो करेंसी है ये भी डिवेल्यूएट हुई हुई है और यहाँ से जाता है जब वो तो हमें एक्सपोर्ट करने के बाद वो महंगा पड़ रहा। और ये जो तारिक साहब अदनान तारिक साहब ने जो बात की है ये बड़ी जबरदस्त बात की है क्योंकि ये नेशनल फूड्स के अंदर है इनको ज्यादा अच्छा है इसका आइडिया होगा। तीन बड़ी कंपनीज का हमारा जो माल है ना वो रिजेक्ट हुआ है कनाडा के अंदर ड्यू टू दिस पेस्टिसाइड्स और ये जो गई भी चीजें उसकी वजह से, तो ये भी प्रॉब्लम सर हमारे साथ आ रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो लोग हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं तो वो मोस्टली उसको करते हैं कि हम यूरोप और इस तरफ चले जाएं। अगर आप मिडिल ईस्ट एशिया की तरफ जाएं, टर्की की तरफ जाएं या इस तरफ जाएं ना तो ये हमारा जो ये वाली प्रोडक्ट्स हैं जो ओनियन हो गया, टोमेटो हो गया, ये इस जगह पे बहुत अच्छी सर इसकी मार्केट है। अब इस चीज को टैप कर लें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये अदनान साहब की बात बिल्कुल सही है कि ये प्रॉब्लम आया है पिछले साल ही प्रॉब्लम आया है ये कि वहाँ पे जो कंसाइनमेंट्स हैं वो रिजेक्ट हुए हैं ड्यू टू दिस पेस्टिसाइड्स और ये जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके अंदर तो उसकी वजह से ये रिजेक्ट हुए हैं वहाँ पे ऑर्डर्स, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी वर्किंग करने की हमें जरूरत है। और थोड़ा सा टैप अगर हम करें ना थोड़ा तो इस तरफ की तरफ टैप भी कर लें क्योंकि पीएच जग जो काम कर रहा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही ज्यादा मोस्टली कर रहा है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है ना हमारी टर्की एशिया इस तरफ जाए तो ज्यादा जल्दी भी जाएंगी और ज्यादा अच्छी तरह से भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि करीब तरीन है और वहाँ पे इतना FDA वालों का या जो उनकी कंसर्न अथॉरिटीज है उनका इतना रोल नहीं है जितना कि कनाडा, अमेरिका, यूरोप की साइड पे। थैंक यू अदील साहब। इंशाल्लाह आफ्टर ईद उल अज़हा जो है हमारे जो तीन चार बड़ी मार्केट्स हैं चाइना हो गई, मिडल ईस्ट हो गया और सेंट्रल एशिया, वहां के जो हमारे कमर्शियल मिशन है उनकी हम डायरेक्ट जो है ना मीटिंग कराएंगे अपने ग्रोअर के साथ। एक हम जो है ना दो तीन सीरीज ऑफ वेबिनार करवाएंगे जहां पे वो अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएंगे, वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में बताएंगे और उसके अलावा जो है वो ये गाइड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप डायरेक्ट जो है वहां पहुंचा सकते हैं सामान को और इवन इम्पोर्टर की लिस्ट भी शेयर करेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि हम ये जितना खासतौर आप चाइना के मार्केट कह रहे हैं नंबर वन है हॉर्टिकल्चर इंपोर्ट में वर्ल्ड ओवर, तो हमारा यही है कि हमारे नेक्स्ट डोर नेबर जो है कम से कम इनसे ही हम जो है ना फायदा ले लें।
तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और दूसरी बात यह है कि आपने जो बातें की इसकी जो यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल्स हैं उसके बारे में भी क्या क्या किस कंट्री में रिक्वायरमेंट है वो भी हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर आए नेक्स्ट वेबिनार में हमारे जो आए तो उसमें वो चीजें एक्सपोर्ट रेलिवेंट जो है चीजें भी आखिर में डिस्कस करें कि भाई किस कंट्री में क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से केयर करना है। We are also in the process of improving. Inshallah, you'll see कि इंशाल्लाह बड़े इसमें जो है ना इम्प्रूवमेंट होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ये वेबिनार अटेंड करने का। हमारी रिक्वेस्ट यही होगी कि आगे जितने भी हमारे वेबिनार आते हैं उनमें कोशिश किया करें कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। इसमें ना सिर्फ हमें एक किस्म की गाइडेंस मिलती है बल्कि गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि हमारे असल इश्यूज क्या है, ठीक है। और पीएचडी का काम यही है कि असल इश्यूज को जो है एक्सपोज करना और गवर्नमेंट तक ले जाना ताकि उसमें हम कोई पॉलिसी बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी। हम अपने अगले वेबिनार का जो लिस्ट है जो शेड्यूल है वो नेक्स्ट वीक में हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे सोशल मीडिया पेजेस को विजिट करते रहिए। अल्लाह हाफिज़। नासिर जी।